Hi everyone. I guess welcome everyone to the space. So आज के स्पेस में एंड इन फैक्ट गोइंग फॉरवर्ड आई डोंट थिंक मतलब जैसे लोग व्यू पूछते हैं राइट, तो मैं सोच रहा हूँ व्यू देना तो आई विल कम्प्लीटली क्लोज, क्योंकि व्यू देकर कुछ होता नहीं है. मुझे नहीं लगता उसका कोई फायदा है किसी के लिए. प्रॉफिट नॉर्मली वही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट फ्लैट है तो एवरेज कंपनी है, और प्रॉफिट गिर रहा है तो इतनी अच्छी कंपनी नहीं है. आई थिंक वही व्यू है राइट. तो आई गेस मे बी एंड मे बी ऑफ कोर्स आई विल रिपीट द सेम लाइन. सो दैट पॉइंट क्या है कि जब तक लोगों के जब तक हम सब लोग के अपने व्यूज नहीं बनेंगे ना, तब तक मार्केट थोड़ा मुश्किल रहेगा. तो आई थिंक ये व्यू देना मुझे पर्सनली लगता है ठीक चीज़ नहीं है. तो आई थिंक आई विल कम्प्लीटली एंड इट गोइंग फॉरवर्ड, उसकी तो बात ही नहीं करें. बात कंस्ट्रक्टिव करेंगे कि हम कैसे कैसे सोचे SME के बारे में, और कैसे क्या स्मार्ट स्ट्रैटजी है इस टाइम पे स्पेशली. अभी का टाइम थोड़ा ट्रिकी होता है जब जब मार्केट थोड़ी नेगेटिव हो रहा है, तो इस टाइम पे कैसे अपने आप को सॉर्ट ऑफ सॉल्व करना है, अपने मतलब मेंटल जो बैरियर्स हैं उनको कैसे सॉल्व करना है. तभी इन्वेस्टिंग में लोग साइकोलॉजी की बहुत बात करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें इस समय डरना नहीं है, वो डर को कैसे मैनेज करें आई थिंक आज थोड़ा उस पर डिस्कशन करते हैं, और अपना नॉर्मली पढ़ाई भी करते हैं. तो आई गेस स्टार्ट कर लेते हैं. सो वेलकम एवरीवन. आई थिंक पिछले एक महीने में काफ़ी ऐसे मार्केट मार्केट भी डाउन गया है, प्लस काफ़ी कॉन्फिडेंस शेक हुआ होगा लोगों का स्पेस में. एक के बाद एक लगातार काफ़ी सारी नेगेटिव न्यूज़ेस आई हैं. अगर आप देखें पहले तो जो हवाला ऑपरेटर वाले न्यूज़ थे वो काफ़ी सारे न्यूज़ आए, फिर वी मार्क का स्कैंडल हुआ, फिर स्मॉल कैप स्पेस में फ्रॉड है उसका बात हुआ, फिर अभी कोल डिजिटल पे काफी कंट्रोवर्सी चल रही थी ट्विटर पे काफी समय से राइट. तो एक के बाद एक लगातार चार या पांच सॉर्ट ऑफ नेगेटिव न्यूज आई है राइट. और ऑब्वियसली लोग का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेक हुआ है स्पेस में. बट अगेन हमें लॉजिकली सोचना चाहिए कि नॉट एवरी वन इन द स्पेस इज बैड राइट. अगर आपके स्पेस में 100 कंपनी है तो मे बी 10 या 20 खराब होंगी, बाकी 80 जेन्युइन है और काम करने की कोशिश कर रही है राइट. हमारा बस ये काम है कि हम कोई भी बैड इंटेंट प्रमोटर से दूर रहें, जहां पे इंटेंट की कमी है, जहां पे आउटराइट फ्रॉड हो रहे राइट. एज लॉन्ग एज इंटेंट है, हमें बस चेक करना है कि इंटेंट है कि नहीं है. अगर इंटेंट है लोगों का अच्छा काम करने का, तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. मतलब आई थिंक हमने भी पूरा काफी सोचा, फ्राइडे सैटरडे बैठ फ्राइडे बैठे हम सैटरडे सोचा कि हाउ डू वी चेक कि भाई इंटेंट लोगों के क्लीन है कि नहीं है राइट. एक होता है इंटेंट का बात, एक होता है नंबर का बात राइट. कुछ मतलब अगर हमारा लेट से कंपनी जिसके क्लाइंट टाटा पावर है, अदानी है, अंबानी है, तो मोस्ट लाइकली वो कंपनी जेन्युइन है. अब नंबर फजिंग थोड़ी बहुत कंपनी कर सकती है, बट वो बहुत रेयर होता है. 100 में से एक कंपनी नंबर फजिंग करेगी, बट इतना पक्का है कि पक्का ही कंपनी कुछ काम करी है, नहीं तो क्लाइंट अंबानी अदानी टाटा ये सब नहीं होते राइट. तो क्लाइंट लिस्ट से हमें काफी कॉन्फिडेंस मिल जाता है कंपनी के बारे में, कंपनी कितनी जेन्युइन है कितनी जेन्युइन नहीं है राइट. एक वो तरीका हो गया. दूसरा एक तरीका हो गया कि क्या आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को अपने आसपास देख सकते हो राइट. अगर एक कंपनी है उसके प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्टेड पड़े, तो आपको मालूम है कि यार वो कंपनी जेन्युइन है, नहीं तो प्रोडक्ट अमेजोन पे होते नहीं राइट. तो बेसिकली अगर हम देखें राइट, अगर उस कंपनी के साथ कोई भी ट्रस्टवर्दी चीज जुड़ी हुई है, तो मोस्ट लाइकली वो कंपनी ठीक ठाक है. बाकी नंबर फजिंग कोई करेगा तो वो तो 100 में से एक केस होता है. आई डोंट थिंक उसके लिए हम कोई प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और वो सेमी का काम है हमें बताना कौन नंबर फजिंग करे, बट वो बहुत रेयर होता है. जैसे ब्राइटकॉम ग्रुप हुआ, ब्राइटकॉम ग्रुप साल में एक कंपनी निकली जहाँ पे प्रॉपर नंबर फजिंग थी राइट. एक 2018 में वक्रंगी करके कंपनी होती थी, उसके केस में नंबर फजिंग क्लियर था और पीवी मैनिपुलेशन था तो वो क्लियर था. तो ये जो पीवी मैनिपुलेशन नंबर फजिंग होती है बहुत ही रेयर होती है, ज्यादा इतना फ्रीक्वेंट होता नहीं है. हमारा काम एज इन्वेस्टर्स ये है, आई थिंक जो एक एक लर्निंग हम सबको मिली है राइट, कि हम सब कुछ वेट कर ले. जैसे कोरे के केस में काफी लोगों ने वेटिंग किया, और जिन्होंने ऑर्डर वॉर्डर देखे तो वो उनको लगा कि यार ऑर्डर तो दिखा दिया गया राइट, और प्रॉपर ऑर्डर कॉपी दिखा दी गई. तो एटलीस्ट जब एक जेन्युइन चीज दिखाई देती है तो काफी कॉन्फिडेंस मिल जाते हैं कि हाँ चीजें ठीक लग रही है राइट. तो मुझे भी लगता है कि हमें हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी लेट्स से हमारे पास एक तो पहली बात हमारे पास 20 कंपनी होनी चाहिए. 20 कंपनियां हैं तो वैसे भी ज्यादा डर का बात होता नहीं है. दूसरा हमें ये जरूर चेक करना चाहिए कि हमारी सारी कंपनी के साथ एक ट्रस्टवर्दी चीज जुड़ी होनी चाहिए. वो एक ट्रस्टवर्दी चीज अगर जुड़ी हुई है तो अभी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि कोई इंटेंट प्रॉब्लम नहीं बचता है. नंबर फजिंग बहुत रेयर केस में होगा, विच इज फाइन. वो 6,000 अगर कंपनी है इंडियन मार्केट में,
तो मे बी 60 कंपनी ऐसा करेंगी, प्रोबेबिलिटी 1% है कि भाई आपके साथ होगा, कुछ कुछ लोग का लक खराब है उनके साथ हो सकता है ऐसा, बट प्रोबेबिलिटी बहुत लो हो जाती है. मतलब वो तो सड़क पे चलते हैं तो एक्सीडेंट का डर होता है, बट उसके डर से हम सड़क पे चलना नहीं छोड़ सकते, राइट? तो पॉइंट वही है कि हम इंटेंट वेरीफाई कर लें बाय बाय सीइंग थिंग्स विच इवोक ट्रस्ट, राइट? अमेजोन लिस्टिंग हो गया, या किसी टॉप ब्रांड से कनेक्शन हो गया, किसी टॉप सेलिब्रिटी से कनेक्शन हो गया. अभी अभी केपीआई ग्रीन ने सूरज पंचोली को साइन किया. अब ठीक है, सूरज पंचोली इज नॉट अ बिग स्टार, बट एटलीस्ट वी नो कि भाई कोई देर समवन हु इज लाइक विद द कंपनी, राइट? उनको पैसे दे रहे होंगे जो भी वो जो भी साइनिंग का उनका फीस होगा, तो क्लियरली देर इज सम मनी ट्रांजेक्शन हैपनिंग. सिमिलरली सेलिकॉर गैजेट्स वरुण धवन को साइन करके बैठे हैं, एक कंपनी तमन्ना भाट या एक कौन थी वो एक्ट्रेस, उनको साइन करके बैठे. तो एटलीस्ट कुछ भी हो जाए, राइट? क्लाइंट लिस्ट हो गया, ब्रांड लिस्ट हो गया, या आपका लिंक्डइन एम्प्लॉयज होगा कि लिंक्डइन पे एम्प्लॉयज हमें दिख रहे हैं, तो ये सारी चीजें ट्रस्ट इवोक करती हैं. इससे काफी कॉन्फिडेंस हमें मिल जाता है. एंड वही हमने सोचा कि हमने जो फ्राइडे का सॉवरेन टाइम्स भी बनाया था उसमें सारा डेटा हमने डाल दिया था. इससे काफी क्लैरिटी मिल जाती है कि भाई ये चार पांच चीजें हैं तो कंपनी तो जेन्युइन है. अब बाकी नंबर्स कैसे होंगे कैसे नहीं वो फ्यूचर बताएगा, बट लिस्ट कंपनी जेन्युइन हो जाती है, राइट? तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, एंड हमें ट्रैक भी करना चाहिए. और ऐसे बहुत सारे सोर्सेस ऑफ और डेटा भी है. अब जैसे कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कल मैं अपनी मेरी कंपनी डॉकवर्ड, मैं उसका डेटा देख रहा था, उसके नंबर ऑफ वेबसाइट विजिट्स, तो नंबर ऑफ वेबसाइट विजिट्स उसके काफी बड़े हैं, तो मुझे देखकर काफी कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ चीजें ठीक चल रही है, वेबसाइट विजिट्स बढ़ रहे हैं, राइट? तो ये डेटा भी देखा जा सकता है. आप वेबसाइट विजिट्स देख सकते हैं, गूगल में सर्च ट्रेंड्स रहता है, उससे आप ये डेटा निकाल सकते हैं कि सर्च उस कंपनी के नाम कितना हो रहा है, वेबसाइट पे कितना नहीं हो रहा है. तो काफी प्रॉक्सीज होते हैं जहां पे आप अनपार्शियल इम्बायस सोर्सेस से हम डेटा निकाल सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी सॉर्ट ऑफ परफॉर्म कर रही है, एंड उन उन चीजों पे फोकस कर सकते हैं जो हमारे अंदर ट्रस्ट बिल्ड करे, राइट? और बाकी क्या है कि हमें ऑब्वियसली आई थिंक एक जो 20 कंपनी का मैं बात करता हूँ, राइट? 20 कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो में, और ओवर एलोकेशन नहीं करना है. ओवर एलोकेशन नहीं है, 20 कंपनीज है, तो आई डोंट थिंक कभी भी कोई ट्रस्ट का इशू किसी के साथ भी रहेगा कि यार मतलब कोई डर वाली बात फिर बेसिकली रहती नहीं है, राइट? तो आई थिंक दैट वाज अ पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू मेक, यार 20 कंपनियों का इंपॉर्टेंस जो हम बात करते थे काफी टाइम से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें हमेशा 20 कंपनी रखनी है. 20 कंपनी है तो कोई डर की बात नहीं है. एक और चीज जो हमें हमेशा रखनी है कि हमारी सारी कंपनी के साथ में एक ट्रस्ट इवोकिंग फैक्टर होनी चाहिए. अगर वो ट्रस्ट इवोकिंग फैक्टर है जो ट्रस्ट बढ़ा रहा है इस कंपनी में, और वो कोई बड़ा क्लाइंट, बड़ा ब्रांड, अमेजोन लिस्टिंग, कोई बड़ा सेलिब्रिटी, लिंक्डइन एम्प्लॉइज, ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, एटलीस्ट उसे ट्रस्ट आते हैं कि हाँ चीजें ठीक चल रही, नहीं तो ये सब चीजें ना होती बेसिकली. फिर तो फिर एक नंबर का गेम रह जाता है. नंबर ठीक है, फ्यूचर वो बता देगा, और एनीवेज नंबर फ्रॉड तो वैसे भी बहुत रेयर होते हैं, बाकी से फ्यूचर प्रेडिक्शन का फिर गेम रह जाता है कि हम फ्यूचर कितनी आसानी से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, राइट? तो यही पॉइंट है. आई थिंक दो इंपॉर्टेंट चीजें जो लर्निंग साथ में है कि ज्यादा नेगेटिव न्यूज पे ध्यान ना दें. बस ये दो चीजें चेक करें कि 20 कंपनी है पोर्टफोलियो में, और हर कंपनी के साथ एक ट्रस्ट इवोकिंग फैक्टर जुड़ा हुआ होना चाहिए जो आपको ट्रस्ट दे उस टाइम पे जब नेगेटिव न्यूज आएगा. और नेगेटिव न्यूज आता है, बट अगर एक ट्रस्ट वाली चीज जुड़ी होगी तो कभी भी वो आपको आपके माइंडसेट पे ज्यादा वेन नहीं करेगा, राइट? तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. इन इन इनको हमें ध्यान में रखना है ताकि हमें कभी भी कॉन्फिडेंस लूज ना हो. और दूसरा एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है कि जब करेक्शन आती है, राइट, तो वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाते हैं, और ये हर साल होता है. लास्ट ईयर मार्च में वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गए थे, तो जिसने ही खरीदा उसका काफी पैसा बना. और डर का माहौल है, डर के माहौल में लोग ना खरीदना, लोगों में हिम्मत, मतलब बहुत लोगों में हिम्मत नहीं आ पाते खरीदने का. बट सबसे अच्छा टाइम वही होता है डर का माहौल है, क्योंकि इंडिया खत्म नहीं होने वाला, राइट? डर के माहौल में सबको लगता है मेरी कंपनी खत्म हो जाएगी, इंडिया खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा. इंडिया खत्म नहीं होने वाला है, हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, 8% से ग्रो कर रही है. तो डर के टाइम पे ही आई थिंक दैट्स द बेस्ट टाइम टू बाय. ये लास्ट ईयर भी हुआ था मार्च में, जब काफी डर का टाइम था. उससे पहले मार्च 2022 मार्च में रशिया वॉर था, तब भी डर का टाइम था. उससे पहले मार्च में कोविड आ गया था, तब भी डर का टाइम था. और 2020 के मार्च में तो कोविड का बड़ा वाला वो था. बट आप देखिए मार्च में हर साल ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है. 2020 मार्च में कोविड, 21 मार्च में कोविड सेकेंड वेव, 22 मार्च में रशिया वॉर, और 23 मार्च में आपका अदानी सागा, 24 मार्च में आपका ये जो सारे कंसेक्यूटिव नेगेटिव न्यूज आई है, राइट? तो हर साल मार्च में कुछ ना कुछ हुआ है. हमें ज्यादा डरना नहीं चाहिए. ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ मेरे तो लगता है काफी रिपीटेटिव ही लगता है, ऑलमोस्ट सेम चीज हर साल देखने को मिलता है कि मार्च में समथिंग. और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग भी आती है मार्च में, तो उस चक्कर में भी थोड़ा सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाता है मार्केट का. तो एक एक और फैक्टर साथ में आ रहा है तो काफी नेगेटिविटी फैल जाती है मार्केट में. बट अगेन 1 अप्रैल से रिजल्ट सीजन चालू होगा. रिजल्ट सीजन में
एक बार रिजल्ट्स आने चालू होते राइट, तो लोग सिर्फ प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसकी तरफ पैसा जाएगा, उस कंपनी की तरफ जहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है, और जहाँ प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है ऑब्वियसली वहाँ पे कोई पैसा नहीं जाने वाला है। तो हमारा बस वही काम है कि ज्यादा नेगेटिविटी से इन्फ्लुएंस ना हो, एक ट्रस्ट जनरेटिंग फैक्टर एसोसिएट करें हमारी सारी कंपनीज के साथ जो हमें नेगेटिव टाइम पे ट्रस्ट जनरेट हमारा करवाए राइट। अभी जो भी लोग लेट से कोई किस कंपनी, आदित्य विजन की बात करें लेट से, तो आदित्य विजन के 120 स्टोर है, किसी को भी डर लगे तो जाए, जो बिहार से है वो कंपनी के स्टोर के सामने जाके खड़ा हो सकता है और डर लगना बंद हो जाए राइट। स्टोर है, कंपनी का एक्चुअल आउटलेट है, दिख रहा है मुझे राइट, तो डर का फिर एंगल खत्म हो जाता है कि मेरा एक स्टोर फ्रंट दिख रहा है। किसी केस में लाइक मैंने बोला क्लाइंटेल, एक्टर एक्ट्रेस वगैरह वगैरह, इन सब से आपका काफी कॉन्फिडेंस, और HNI बाइंग से भी काफी कॉन्फिडेंस आपका इवोक हो जाता है राइट। तो विद दिस नोट आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं, और जैसा कि मैंने बोला मैं इस स्पेस में कोई भी व्यू नहीं दूंगा कि ये व्यू है या वो व्यू है, व्यू की बात नहीं करेंगे क्योंकि व्यू से मुझे नहीं लगता कुछ होता है, मतलब मार्केट ना डाउन जाएगा तो अगर आपका अपना व्यू नहीं होगा ना तो आप सब कुछ शेक हो जाएगा, सब कुछ हिल जाएगा, एंड बहुत लोग के साथ हुआ भी है, लोग काफी डर जाते हैं क्योंकि अपना व्यू नहीं होता। अपना व्यू बनाना पड़ेगा कि भाई मेरा व्यू ये है और मेरे को मेरी कंपनी में ट्रस्ट है क्योंकि उस कंपनी के साथ ये चीज जुड़ी हुई है। तो एक ट्रस्ट वर्दी फैक्टर हमें जोड़ना है अपनी हर कंपनी के साथ ताकि कभी डर ना लगे। और जिन, जैसे कि मैंने बोला, नंबर फ्रॉड बहुत रेयर होते हैं, उससे तो हम उसके बारे में तो हम प्लान नहीं कर सकते, दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू एन एक्सीडेंट राइट। एक्सीडेंट या रेयर अकरेंसेस के लिए आप प्लान नहीं कर सकते हो, आप बस प्रिकॉशन ले सकते हो कि यार अगर ऐसा होता है तो भाई इंश्योरेंस होना चाहिए या 20 कंपनी होनी चाहिए जो भी है। तो आई थिंक वो बस हमें प्लान करने की 20 कंपनी रखनी ताकि हम फुली डाइवर्सिफाइड रहे। इस स्पेस में हम अगेन इंटरेस्टिंग कंपनीज डिस्कस करेंगे जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग काम हो रहा है, और बेसिकली पढ़ाई करेंगे साथ में। व्यूज का कोई मेरा रिक्वेस्ट सबसे ये है कि व्यूज का कोई बात ना करें, एनीवेज कोई बात करेंगे भी तो मैं यही जवाब दूंगा कि प्रॉफिट बढ़ेगा तो अच्छी कंपनी, प्रॉफिट फ्लैट है तो एवरेज कंपनी, और प्रॉफिट गिरेगा तो बैड कंपनी। आई थिंक अभी व्यूज का गेम छोड़ देते हैं, एक साल भी हो चुका है हम स्पेस कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं, तो लेट्स कंप्लीटली नॉट टॉक अबाउट द व्यूज थिंग राइट नाउ। आई थिंक व्यूज का कोई महत्व नहीं रह जाता है मेरे हिसाब से राइट। तो आई थिंक विद दिस नोट स्टार्ट कर लेते हैं कुछ कुछ इंटरेस्टिंग कंपनीज जिनके ऊपर डिस्कशन और चर्चा हम कर सकते हैं राइट। तो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, मे बी किस कंपनी से चालू करें, एक बार सॉवरन खोल लेते हैं, तो हम सॉवरन में जाते हैं। तो डिस्कवरी में वन सेकेंड, तो मैं भी जुपिटर वैगन से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जुपिटर वैगन एक कंपनी है जो रेलवे स्पेस में है। जुपिटर वैगन ने रिसेंटली एक बोना ट्रांस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके एक प्लेयर है जिसको अक्वायर किया है फॉर 271 करोड़, एंड इट बिकम्स द फर्स्ट रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरर विद इट्स ओन व्हील प्लांट। तो उसका अपना व्हील प्लांट है। अक्वायरी कंपनी रिनाउंड फॉर व्हील सेट मैन्युफैक्चरिंग बोस्ट अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 20,000 व्हील्स and 10,000 axles annually. The move enhances company's self-reliance, operational efficiency, and reduces dependency on imports. Acquisition aims to meet the rising demand in domestic and export markets. BIPL's Bona Trans India Private Limited. BIPL's FY23 turnover stood at 63.5 crores. Right? So, BIPL का acquisition हुआ है from Jupiter Wagons. इससे पहले कंपनी को 957 करोड़ का ऑर्डर मिला था फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ 2-2-3-7 नंबर्स ऑफ BOSM वैगन्स। कंपनी के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं, वैल्यूएशंस थोड़ी अट्रैक्टिव हो चुकी हैं स्पेस में क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं और करेक्शन भी देखने को मिला है। कंपनी 6 महीने से कंसोलिडेट भी कर रही है, ऑलमोस्ट आई गेस सेप्टेम्बर से कंसोलिडेशन में कंपनी, तो काफी टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है कंपनी का, और पी भी 50 के आसपास का है। So any thoughts anyone has on Jupiter Wagons? And हम ये भी करेंगे जुपिटर वैगन का अगले साल का प्रॉफिट भी निकालने की कोशिश कर लेंगे कि इस साल इतना प्रॉफिट है तो अगले साल कितना प्रॉफिट आ सकता है राइट, उसका भी मैथ कर लेंगे मोटा मोटा कि कितना प्रॉफिट के करीब आ सकता है नेक्स्ट ईयर राइट। तो कोई मैथ करना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा मुझे कि कितना प्रॉफिट आ सकता है जुपिटर वैगन का अगले साल?
एंड आई वुड से ये जो मैथ है ना, अभी मैं नहीं करूंगा मैथ, लोग करेंगे. तो जो भी लोग स्पीकर बन रहे हैं ना, आप तैयार रहिए कि आपको मैथ करना पड़ेगा. ये गणित है, ये गणित सीखना पड़ेगा और करना पड़ेगा. इस गणित से फायदा क्या होगा कि आप खुद भी सीखेंगे स्पेस में, और ऑब्वियसली बाकी लोग को भी सीखने को मिलेगा, राइट? तो जो भी स्पेस में है उनका, उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगा, और जो भी स्पीकर पैनल में है उनसे रिक्वेस्ट रहेगा ये वो ये गणित खुद से करें, और फिर बेसिकली बताएं कि कितना प्रॉफिट रह सकता है इस कंपनी का अगले साल. ठीक है, तो कोई बोलना चाहेगा कि जुपिटर आयन का क्या प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है उनका? एंड ऑब्वियसली मतलब मे बी मैं रैंडमली भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट स्पीकर में हम वही 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 करते हैं ताकि एक हेल्दी डिस्कशन हो पाए, व्यू पॉइंट डिस्कशन हो पाए. व्यूज तो मैं नहीं देने वाला, आई थिंक दैट इज, वो से कोई फायदा नहीं होता. आई थिंक लेट्स मेक दिस अ वेरी यूजफुल स्पेस, राइट? तो प्रीत, आप बोलना चाहोगे कि कितना प्रॉफिट आ सकता है जुपिटर वैगन का अगले साल? धीरेन्द्र भाई, आप बोलना चाहेंगे जुपिटर वैगन का अगले साल कितना प्रॉफिट आ सकता है? राजेश भाई, आप बोलना चाहेंगे कितना प्रॉफिट आ सकता है जुपिटर वैगन का? आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग आदित्य, आई विल लेट यू नो इन 2 मिनट, जस्ट अ मिनट. श्योर श्योर तब तक कोई और बोलना चाहेगा कितना? आप नंबर खोल सकते हैं लास्ट ईयर के, सॉवरन के अंदर भी खोल सकते हैं, स्क्रीनर के अंदर भी खोल सकते हैं. दिसंबर में कितना पैट आया था? दिसंबर में 83 करोड़ का पैट आया था. तो अगले साल कितना एक्सपेक्टेशन हो सकता है? सिंपल बेसिक मैथ से कर सकते हैं, कंजर्वेटिव एस्टिमेट दे सकते हैं कितना प्रॉफिट अगले साल का आना चाहिए ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस लेवल. सर, वी कैन एक्सपेक्ट 330 करोड़ टू 340 करोड़ मिनिमम अकॉर्डिंग टू मी. गॉट इट. और अपना लॉजिक बताइए कि आप ये नंबर क्यों बोल रहे हैं 330 टू 340. सर, मैंने क्या किया कि जो लास्ट दिसंबर क्वार्टर का प्रॉफिट था और इनटू वो मैंने 4 कर दिया जस्ट, और कुछ नहीं किया. जो आपका जो लॉजिक है मैंने वही किया. वो मेरा ब्लूटूथ वो कनेक्टेड नहीं था, उसकी वजह से वो आंसर नहीं दे पाया सर. बट वी कैन एक्सपेक्ट, ये तो सर जो अब ग्रोथ होगा तो ये नंबर बढ़ भी सकता है, बट वी कैन एक्सपेक्ट 330 टू 340 करोड़ तो मिनिमम आ सकता है इफ वी टेक दैट दिसंबर नंबर. राइट. आई थिंक वेरी गुड गेस, आई अग्री, क्योंकि आपका 83 तो इसी क्वार्टर में आया, राइट? और प्रॉफिट अप ट्रेंड बहुत क्लियर है, और ऑर्डर बुक एक्विजिशंस कंपनी कर रही है. तो 83 इंटू 4 करते हैं तो आपका 332 का नंबर आता है, राइट? 83 इंटू 4 किया, 332 का नंबर आया, 332 करोड़. तो 332 प्रॉफिट अप ट्रेंड से आते हैं, प्लस इसके ऊपर कोई ग्रोथ आ सकती है क्योंकि कंपनी ग्रोइंग है, राइट? और कंपनी की ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, कंपनी एक्विजिशन कर रही है. तो 330 सॉर्ट ऑफ एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट हो सकता है. अगर एक फेयर केस एस्टिमेट निकाले तो मे भी 360-370 करोड़ का एस्टिमेट आ सकता है कि 360 करोड़ में भी बेस केस में कंपनी करेगी. अगर कंजर्वेटिव केस की हम बात करें तो मे भी 320-330 करोड़ कंपनी करेगी, और अगर अग्रेसिव केस की बात करें तो मे भी थोड़ा और हम बढ़ा सकते हैं, मे भी 500 करोड़ तक कंपनी कर सकती है. तो हम पूरा मैथ बिठा सकते हैं कि 320 से 400 करोड़ तक का प्रॉफिट आ सकता है विद अ बेस केस ऑफ अराउंड 350 करोड़, राइट? जो कि प्रीत ने भी किया, प्रीत ने काफी अच्छे से करके भी सबको दिखाया, राइट? तो वेरी वेल डन प्रीत, आई थिंक आप बहुत अच्छा, मैंने आपका वो भी पढ़ा, आपने कॉन कॉल भी अटेंड किया था, उसको समराइज भी किया, एंड प्लस आप काफी अच्छे से ट्रैक भी करें, एंड आप ओनली, यू आर ओनली 21, राइट? सो दैट इज रियली फैंटास्टिक. व्हेन आई वाज योर एज मुझे तो कुछ नहीं आता था इन्वेस्टिंग, आई भी नहीं आता था. तो आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक कि आप इतने अच्छे से सीख रहे हैं. आई थिंक दैट इज रियली रियली गुड. थैंक यू सर. आप मैं आइडल हो, वो मैं बहुत सीखता हूँ, मैं आपके सारे पोस्ट ट्रैक करता रहता हूँ, और मैं सॉवरन का भी मेंबर हूँ. और सर, जो आपने जो ये नया जो वो लाए ना, आपकी वो क्या बोलते हैं कि जो GST नंबर, और जो वो बहुत ही अच्छा किया आपने. मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ कि सॉवरन आप ज्वाइन कीजिए, और वो दो वीडियोज जो आपके वो तो गोल्ड माइन है, मैं ऐसा बोलूंगा. वो एकदम बेसिक है, वो कुछ ज्यादा लॉजिक लगाने की भी जरूरत नहीं है. वो दो वीडियोज तो बहुत ही अच्छे है, मैंने उस वो दोनों मैंने देखा, और उसको वो मैं स्टडी करता रहता हूँ वही का वही. थैंक यू सर. तो जुपिटर वैगन में एक एक गेस तो प्रीत ने दिया है, बाकी कोई और देना चाहेगा जुपिटर वैगन का गेस? ठीक है, आई गेस अगर जुपिटर पे नहीं है तो अगली कंपनी पे चलते हैं, सेलिकॉर गैजेट्स. सेलिकॉर गैजेट्स एक कंपनी है जो कि इसके स्मार्ट वॉचेस होते हैं, इसके फोन होते हैं, इसके नेक बैंड होते हैं, LED TV होते हैं. तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में है, और इसके प्रोडक्ट अमेजोन पे भी बिकते हैं. तो अगर आप सेलिकॉर सर्च करेंगे अमेजोन पे, राइट, तो आपको सेलिकॉर X3 डुअल सिम फीचर फोन दिखाई देगा. सेलिकॉर X3 डुअल सिम फीचर फोन 1000 mAh, सेलिकॉन
D8 डुअल सिम फीचर फोन, सिलिकॉर C9, सिलिकॉर R50, सिलिकॉर D9, सिलिकॉन R50, सिलिकॉन X9, E6, तो काफी मॉडल्स हैं आपको काफी फोन्स में तो दिख रही है, और बाकी प्रोडक्ट्स भी आपको दिखते रहेंगे कि भाई ये कंपनी किस सॉर्ट ऑफ स्पेस में है, राइट? और भी एक बार देखे तो और इनकी क्या क्या प्रोडक्ट दिखते हैं इसमें देखें। या आई थिंक अमेजोन पे तो फोन ही लिस्टेड है, बाकी हम इनके अपनी ऐप पे जाएंगे तो स्मार्ट वॉचेस एंड वो सब बाकी चीजें भी हैं। और कंपनी के एम्बेसडर जो है वरुण धवन है, वरुण धवन को कंपनी ने साइन अप किया है, राइट? इस कंपनी का भी एक सिंपल बेसिक मैथ कर लेते हैं। सेलिकॉर का लास्ट हाफ ईयर का पैट था 7 करोड़ रुपए, और पिछले साल का पैट था 8 करोड़ रुपए। इस साल क्या लगता है, अगर मैं इस साल की बात करूं पूरा FY24 तो कितना आ सकता है, और FY25 कंपनी ने गाइडेंस भी दे रखा है, तो आई थिंक कंपनी की गाइडेंस से भी थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कितना वो रहेगा। बट ऑलमोस्ट सिमिलर ग्रोथ से कितना प्रॉफिट इस साल का आएगा, कितना नेक्स्ट ईयर का आएगा, वो थोड़ा गेस स्मार्टली मार सकते हैं कि क्या नंबर हमें बेसिकली लग रहे हैं इस कंपनी के कितने आ सकते हैं। तो सेलिकॉर का कोई गेस मारना चाहेगा? एंड सेलिकॉर में अगर हम और बात करें तो कंपनी ने भोपाल में एक शोरूम खोला है, और कंपनी का एम्बेसडर वरुण धवन है, और कंपनी ने काफी SKU additions भी किए हैं। स्मार्ट टीवी का मैन्युफैक्चरर वरुण धवन है, और सॉरी एम्बेसडर वरुण धवन है, और कंपनी में एक बल्ड डील भी हुआ रिसेंटली। तो इसका एक बार पैट एस्टिमेट निकाल लेते हैं कितना आ सकता है सेलिकॉर गैजेट्स का। प्रीत के अलावा कोई बोलना चाहेगा जो सेलिकॉर गैजेट का पैट एस्टिमेट कर ले? एंड आई गेस अगर आप नहीं करना चाहते तो आप ड्रॉप ऑफ कर लीजिए, आई विल टेक अनदर स्पीकर जो कि ये एस्टिमेशन में थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। मैथ पे काम करते हैं, आई थिंक गलत सीखते हैं, गलत सीखेंगे तो अपने आप फायदा होगा, और पूरा मैथ मैथमेटिकल स्पेस ही बना देते हैं इसको। मैथ्स सीखेंगे, मैथ्स करेंगे एनीवे, मैथ्स पर्सनली मुझे तो काफी अच्छा लगता है। बाकी अगर आपको मैथ्स में थोड़ा दिक्कत है तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर से इजीली लैपटॉप या उस पे गूगल वगैरह पे आराम से हो सकता है। आई थिंक उसका आदत डल जाएगा, एक बार आदत डल जाएगा तो अपने आप वो मैथमेटिक्स होता रहेगा, और सॉवरन का भी सेल्फ हेल्प टूल है, उसके थ्रू भी मैथ कर सकते हैं बेसिकली। तो सेलिकॉर का मैथ करेंगे कोई जो सेलिकॉर का मैथ करना चाहेंगे, और एक्चुअली क्या करें कि जो मैथ्स करना चाहते हैं ना, सी बहुत लोगों ने हैंड रेस कर रखा है, मुझे ये नहीं पता कौन करना चाहता है कौन मैथ्स नहीं करना चाहता है, बट जो मैथमेटिक्स करने के लिए रेडी बैठे हैं वो पार्थ सिंह आई वॉन्ट टू गेस, राइट? तो वो लिख दे कि आई वॉन्ट टू डू द मैथ्स, कि लिख दे कि भाई मैं ये मैथ करना चाहूंगा, ताकि आई विल टेक दोज पीपल ओनली ऑन द स्पीकर पैनल जो मैथ्स करना चाहते हैं, राइट? तो इसे ये भी होगा कि सब लोग देखेंगे कि भाई कैसे लोग मैथ करें, राइट? तो पार्थ बोल रहे हैं कि वो मैथ करना चाहेंगे, तो उनको एक बार ले लेते हैं पैनल में। एंड आई होप इस मैथ से लोगों को फायदा हो रहा है, राइट? मतलब व्यू दे दूंगा मैं, उससे कुछ होगा नहीं, मुझे नहीं लगता व्यू देने से कुछ होता है, राइट? अगर आपको फायदा लग रहा है तो आप एक थम्स अप दिखा दीजिए कि भाई देखो फायदा हो रहा है, हमें थोड़ा मैथ्स को सीखने को मिल रहा है। तो सेलिकॉर का एक बार थोड़ा अंदाजे से एक थम्स अप दिखा दीजिए सब लोग, इन केस यू आर एक्चुअली फाइंडिंग दिस यूजफुल, राइट? कि किस तरीके से हम पैट एस्टिमेट निकाल सकते हैं। ठीक है पार्थ, आप बताइए कितना आपके हिसाब से पैट आ सकता है। ओके, सो मैं देख पा रहा हूँ कि एम आई ऑडिबल आदित्य? या यू आर ऑडिबल, या यस। सो मैं देख पा रहा हूँ कि मार्च 2023 में उन लोगों ने 8 करोड़ प्रॉफिट किया था, एंड आउट ऑफ दैट इन फर्स्ट 6 मंथ दे हैव डन 3 करोड़ प्रॉफिट, सो लास्ट 6 मंथ दे हैव डन अराउंड 5 करोड़ प्रॉफिट, एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ फ्रॉम सेप्टेम्बर 2022 टू सेप्टेम्बर 2023 दे हैव रेज द प्रॉफिट फ्रॉम 3 to 7, right? So for next 6 months I can think that last year this March 6 months they have done 5 crore profit, so they can raise it up to 10. I am guessing it on that basis that the September 22 to September 23 they have raised their profit from 3 crore to 7 crore profit, and by that calculation March 2023 to March 2024 they will raise from 5 to 10, so it will be 7 plus 10 around 17 crore profit this financial year, right? I think that's I would say that's a smart way to guess, but thoda sa aggressive guess hai main bolunga, kyunki aapne
आपने सही करा है, आपने डबल कर दिया और ग्रोथ रेट ऐसा दिख रहा है, बट मे बी अगर मुझे कंजर्वेटिव गेस करना होगा तो मैं बोलूंगा कि कंजर्वेटिव, हां कंजर्वेटिव बता दीजिए। कंजर्वेटिव अगर मैं लास्ट सिक्स मंथ को ही ऐसा समझ लूं कि रिपीट कर रहा है तो अराउंड अराउंड 15 करोड़ हो पा रहा है। करेक्ट 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 करेक्ट, तो 15 से 18 करोड़ का पैट एस्टिमेट बना सकते हैं बेसिकली, आई थिंक परफेक्ट आंसर। एंड इसमें हमने कुछ मतलब बेसिक लॉजिक ही लगाया है, हमने बस ये देखा है प्रॉफिट अपट्रेंड्स है, वरुण धवन एम्बेसडर बैठा है और इस कंपनी ने गाइडेंस भी दे रखा है, तो गाइडेंस से भी थोड़ा और स्मार्ट एस्टिमेट निकाल सकते हैं, बट बेसिक मैथ ये बोलती है कि यार अब कोई बोल सकता है कंपनी तो गाइडेंस अग्रेसिव देगी, हम कंपनी की गाइडेंस क्यों माने, राइट? कंपनी तो गलत चीज बोल सकती है, तो जो हमने किया है इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है, तो हमने खुद से अपनी मैथ पे किया है, तो जो एस्टिमेट है एक एग्रेसिव केस एस्टिमेट बनाया है पार्थ ने, जो कि पार्थ भाई ने, जो कि बहुत अच्छा है, 17-18 करोड़ का, और एक बेस केस एस्टिमेट बनाया जो कि 15 करोड़ के आसपास का है, तो 15 से 18 करोड़ का पैट आ सकता है, राइट, इस कंपनी का। तो दैट्स अ गुड गेस। और इस कंपनी के लिए आप कितना पी देना चाहोगे, व्हाट डू यू थिंक इसको कितना पी मिलना चाहिए? इट इज वेरी मच हाई ग्रोइंग कंपनी, मतलब उसका रेवेन्यू भी काफी अच्छे से बढ़ रहा है, मतलब लास्ट मार्च 2022 में उनका 121 था, 2023 में 264, एंड इस साल सिर्फ ओनली 6 मंथ में इन लोगों ने 210, मतलब मैं अगर उसको भी डबल कर रहा हूँ तो 420, मतलब ईयर ऑन ईयर इनका रेवेन्यू 100% से ग्रोथ हो रहा है, तो मैं इसको 50 पी तो मान के ही चलूंगा, 50-60 पी दे सकते हैं इतनी हाई ग्रोथ कंपनी को। तो आई गेस अगेन थोड़ा सा इसको टोन डाउन करते हैं, 30-40 का दे सकते हैं, आई गेस 50 ठीक है मुझे लगता है, दे सकते हैं 30-40 का, अगर 35 भी देते हैं, तो अगर 35 दिया तो कितना मार्केट कैप आ जाएगा, और जो हमने बेस केस में 15 करोड़ का हमने प्रॉफिट बोला और 35 का पी दिया तो कितना मार्केट कैप आ जाएगा? 550 जमा 175 का मार्केट कैप आ जाता है, राइट? और 543 करोड़ का करंट मार्केट कैप है, तो कितना आता है? अपसाइड 20% आता है, और ये हम मार्च 24 की बात कर रहे हैं, अभी हमें मार्च 25 की बात की, 20% इमीडिएट अपसाइड दिखाई देती है अगर हम इस मैथ के चले, जो कि काफी कंजर्वेटिव है, वही अगर आप अग्रेसिव केस मैथ करो, अगर अभी आप अभी मे बी आप 40 का पी ले लो, 40 का पी ले लो और आप अपना 18 का पैट ले लो, हाँ तो कितना है? 720 करोड़ मार्केट कैप, हाँ तो इसमें अपसाइड कितने हुए? अप्रोक्सली 70% जितना हो रहा है, राइट राइट, 440 से 700 मोटा मोटी आपका 250 हुआ, 250/440 के 60% के करीब 60% टाइप्स का अपसाइड आता है अग्रेसिव केस में, जो मैथ किया, और 20% का अपसाइड आता है कंजर्वेटिव केस में। अब एक और क्वेश्चन, क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी हमें डिसअपॉइंट कर दे, ऐसा हो सकता है, इसके चांसेस हैं, या कितने चांसेस हैं डिसअपॉइंटमेंट के आपके हिसाब से, जो हमने मैथ किया कि हम डिसअपॉइंट हो जाए? प्रेडिक्टेबल बोल तो नहीं सकते, बट मेरे को चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि ये अपना ऑनलाइन में इनका प्रोडक्ट दिखता है, तो धीरे धीरे ट्रेंड चलता ही जा रहा है कि लोग ऑनलाइन गैजेट्स मंगवाते हैं, सो आई थिंक दैट कि लास्ट सिक्स मंथ का तो एटलीस्ट रिपीट कर ही सकता है, और प्लस इसमें ये 6 महीने में क्या थोड़ा दिवाली सेल और ये सब ज्यादा होता है, इसलिए चांसेस है कि रिजल्ट बेटर हो। परफेक्ट परफेक्ट, आई थिंक क्योंकि आई थिंक बहुत सही बोला आपने कि दिवाली सेल से एक केक मिलना चाहिए आइडियली, तभी इनका H2 अच्छा होता है, which is like जो आपने aggressive case किया था, I think वो logical case होना चाहिए, but having said that disappointment तो हमेशा हो ही सकती है, कोई भी company disappoint कर सकती है, मैं बोलूँगा 20% chance हमेशा disappointment का मानना चाहिए, कि भले ही हमने math कर दियो, हमारी math अच्छी भी है और हमने काफी logically सोच समझ के math किया है, बट फिर भी 20% chance of disappointment तो है ही है, right? जो कि हर कंपनी में होता है, नहीं execute कर पाए, competition threat आ गया, कुछ दिक्कत हो गई, प्रमोटर बीमार हो गए, बहुत चीज हो सकते हैं, तो 20% आई वुड से डिसअपॉइंटमेंट का थ्रेट है, बाकी मैथ हमने बेस केस निकाला, बेस केस में 520 करोड़ का मार्केट कैप आता है, अग्रेसिव केस में 720 करोड़ का मार्केट कैप आता है, और आपका जो इस हिसाब से बेसिकली आपकी अपसाइड्स मैथमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है, तो आई थिंक परफेक्ट आंसर, बहुत ही अच्छे से मैथ किया गया, वेरी वेल डन पार्थ भाई, एक्सेलेंट जॉब। आप सॉवरेन यूज करते हैं पार्थ भाई? हाँ मतलब यूज करता हूँ मैं, आपका डिस्कवरी प्लेटफॉर्म पर्टिकुलरली मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। ग्रेट 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 ग्रेट, परफेक्ट परफेक्ट, सो थिंक दैट्स फैंटास्टिक, आई थिंक मुझे लगता है कि जैसे लोग देख रहे हैं, अभी प्रीत ने किया, प्रीत एक ही इज ओनली 21 इयर्स ओल्ड, पार्थ भाई ने क्या, आई डोंट नो पार्थ भाई एज, बट लाइक एक्सेप्शनल मैथ, और बहुत ही अच्छे से सोचा भी, भाई दिवाली सेल से H2 का बंप रहेगा,
पूरा मैथ किया, पी पी गेस किया कि कितना पी मिल सकता है, मार्केट कैप निकाला, अपसाइड गेस किया, आई थिंक सब लोग एक एक करके ऊपर आएंगे और मैथ करेंगे तो काफी अच्छी लर्निंग्स सबके लिए हो सकती है, राइट? तो आई थिंक वेरी वेल डन, आई थिंक सेलिकॉर काम ने कर लिया है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अभी कौन ये मैथ करेगा, कोई एक बंदा बता दीजिए ये मैथ करेगा, कंपनी आई विल चूज रैंडमली, बट कोई एक बता दीजिए अगला मैथ करना चाहेंगे। आदित्य, आई कैन डू इट। परफेक्ट परफेक्ट, सो लेट मी सॉर्ट ऑफ, एंड जिनको भी मैथ करना है, राइट, वो ये लिख सकते हैं कि यार आई वांट टू डू द मैथ एंड आई विल टेक दैट दो स्पीकर्स ऑन द कॉल, राइट? एंड एक और चीज बता दीजिए, आर यू फाइंडिंग दिस यूजफुल? बिफोर डूइंग दिस यू कैन जस्ट से आर यू फाइंडिंग दिस यूजफुल, जस्ट शो अ थम्स अप इन केस यू आर फाइंडिंग दिस यूजफुल। परफेक्ट, आई थिंक काफी लोग थम्स अप दिखा रहे हैं, तो आई एम होपिंग सबको ये अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट कंपनी लेते हैं, ठीक है, जिसका हम मैथ करेंगे। मे बी किस, कौन सी कंपनी ले इस बार हम लेते हैं, मैकफॉस लेते हैं, मैकफॉस। मैकफॉस में अगर हम बात करें तो प्रेफरेंशियल फंड रेज हुआ है और प्रॉफिट अपट्रेंड भी है। तो एक बार मैकफॉस का हम मे बी एक तो मार्च क्वार्टर पैट गेस करेंगे और FY25 पैट गेस करेंगे, राइट? और मैकफॉस का एक बार सॉर्ट ऑफ वो दे देते हैं, और जो भी स्पेस में है उनको मैकफॉस के बारे में बता देते हैं। तो मैकफॉस में 5.8 लाख का फंड रेज, 5.8 लाख इक्विटी शेयर्स का फंड रेज हुआ है 430 रुपये में, 25 करोड़ रुपये का टोटल कैपिटल आता है। सेज वन फ्लैगशिप ग्रोथ फंड है, तो सेज वन इज अ वेरी गुड फंड। उससे पहले कंपनी ने एक हांगकॉन्ग में सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट करी थी, और उससे पहले कंपनी ने एक मैकफॉस इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड करके भी एक सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट करी है। कंपनी क्या करती है, कंपनी पार्ट्स बेचती है वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, सच एज IoT के कंपोनेंट्स हो गए, ड्रोन कंपोनेंट्स हो गए, रिन्यूएबल सेक्टर के कंपोनेंट्स हो गए, और कंपनी की वेबसाइट है robo.in। इस कंपनी को अगर चेक करना हो मैकफॉस को, तो कैसे हम चेक कर सकते हैं जिससे हमें ट्रस्ट आए? तो अभी भाई आप वो भी बता दीजिएगा और फिर इसका मैथ करते हैं। तो इसका कोई तरीका है इसको चेक करने का कि कंपनी जिससे हमारा ट्रस्ट जनरेट है इस कंपनी के ऊपर, कोई तरीका है इसको चेक करने का? हाँ जी, जैसे लिंक्डइन, एंड आप एक बता रहे थे कि इनकी वेबसाइट बहुत अच्छी है, करेक्ट, एंड उसमें आप, मैंने यूज नहीं किया बट वो मुझे याद है, करेक्ट, ऐप भी है, इनकी ऐप भी है और इनकी वेबसाइट भी है, तो आप वेबसाइट दोनों है तो हम जाकर देख सकते हैं कि भाई आप कैसी बनी है, आप और आप में कितने रेटिंग्स हैं। अगर हमें आपके रेटिंग्स दिख गए, राइट, और आपके रेटिंग्स ज्यादा हैं, तो क्लियरली कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई इनकी ऐप है और रेटिंग्स भी अच्छी है, तो वेरीफाइबल है डेटा कि भाई कंपनी क्या करती है और कितने एम्प्लॉइज है लिंक्डइन में, सारा डेटा हम चेक कर सकते हैं। अभी इसका मैथ कर लेते हैं, अभी भाई आप मैथ इसका कर लीजिए, मार्क कितना पैट आएगा और कितना आ सकता है, और कितना आ सकता है। चौथे का मैं 3 लगा के चलता हूँ अगले 3 महीने का ना, राइट? अगर मैं 3 लगाता हूँ तो पिछले साल था 741, इस साल 9.37 आ रहा है, एंड उस हिसाब से पीई आ रहा है अराउंड 44 का, राइट राइट राइट। हाँ, एक मैं बात आदित्य जी कहना चाहता था, प्रीत ने ना जब लास्ट टाइम किया था, सो उन्होंने क्या किया था, दिसंबर का यूज करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था, राइट? वन नोट टू मेक कि जितना आप आगे जाओगे दैट मींस उतनी आप क्या कहते हैं वैल्यूएशन इंक्लूड कर रहे हो अपने प्राइस में, राइट? इफ यू कैन मेक इट इन अ बेटर वे, आप समझ गए मेरा पॉइंट क्या कह रहा हूं मैं, तो वो एक डिस्क्लेमर इम्पोर्टेंट है कि जितना आगे जाओगे मतलब उतना अपने अपने प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूड कर दी ग्रोथ, राइट? हाँ जी, राइट राइट, मैं यू आर सेइंग कि भाई वो पी में फैक्टर्ड इन, राइट, कि फैक्टर्ड इन, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो चार के साथ कर रहे थे ना, मैं क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ अगले 3 महीने का गेस कर रहा हूँ, ठीक है? दैट मींस कि मैं उस बेसिस पे कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स लेट्स से इफ आप जेनसोल का देख लो, अगर आप गाइडेंस देखते हो उनकी आगे आगे की, तो काफी बेटर गाइडेंस है, बट देन इफ यू इंक्लूड दैट इन योर प्राइस, आप ही तो कम कर ही जाओगे जितना आगे जाई जाओगे, सो यू आर फैक्टरिंग इन दैट ग्रोथ इन योर प्राइस व्हिच यू आर पेइंग, सो यू हैव टू बी केयरफुल आई गेस कि आप कितना फॉरवर्ड लेके जाते हो, राइट राइट राइट। हाँ जी, बट इसकी 43-44 आ रही है, राइट? और इसका अगले साल का कितना गेस होगा आपका, जस्ट बाय नंबर्स कितना ग्रोथ आ सकता है अगले साल, गिवन कि 25 करोड़ का फंड रेज भी किया है, क्या लगता है आपको अगले साल? हाँ जी, इसका प्रेफरेंशियल भी आया था ना इसी सिमिलर प्राइस पे, राइट? एक मिनट, ये मैंने खरीदी हुई है कंपनी मैकफॉस, प्रीटी श्योर,
आठ के हिसाब से कम 3 लग रहा है, 3 × 4 12 तो कम से कम आ ही रहा है करेक्ट ऑन बेयर केस. हाँ जी बेयर केस के हिसाब से 12 के हिसाब से अराउंड 34 का पीई है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो 12 तो आई थिंक कंजर्वेटिव केस पे आता ही है, और हाँ जी, हाँ क्योंकि जी. 25 करोड़ रेस किया तो थोड़ा ग्रोथ आ सकता है. मैं बोलूंगा मे बी 13-14 का एक बेस केस एस्टिमेट बन सकता है कि 14 करोड़ बेस केस आ जाएगा, क्योंकि वो 25 करोड़ भी कंपनी यूज करेगी राइट अपनी ग्रोथ के लिए. तो मे बी 13-14 सॉर्ट ऑफ अ बेस केस सिनेरियो. 14 के हिसाब से कितना फॉरवर्ड पे पी आता है? 14 के हिसाब से एक मिनट 412/14 कर लेते हैं. 29.29 राइट राइट. और इस सेक्टर में ये टेक प्लेटफॉर्म है, इनकी अपनी वेबसाइट है, टेक प्लेटफॉर्म में नॉर्मली कितने पीस मिलते हैं मार्केट में? मैं वैसे आपकी वेबसाइट ही देखता हूँ इन टर्म्स ऑफ पी सेक्टर देखने के लिए ना, सो दैट गिव्स मी अ वेरी गुड. इसमें आता है 50 to 100 टेक प्लेटफॉर्म का, सो इवन ये तो काफी कम है, व्हिच इज वेरी वेरी गुड अपसाइड. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. अगर 50 का भी निकाले बेस केस, क्योंकि इसको कभी 100 का तो मिला, हाँ जी हाँ जी, 50 का भी निकाले तो 1 ईयर फॉरवर्ड अपसाइड आपका 70% टाइप आ जाता है, अज्यूमिंग दीज नंबर्स होल्ड ट्रू राइट. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, कि डिसअपॉइंटमेंट होगी हमें? प्रोबेबिलिटी तो प्रेफरेंशियल किया है, सो देयर इज लेस चांसेस, बट अराउंड 20% मे बी. करेक्ट. आई थिंक 10-20% तो हर चीज में होते हैं. हां जी हां जी बिल्कुल बिल्कुल. या सो आई गेस 10-20% प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. या हां जी. सो पी अगर क्या कहते हैं 16 होएगा, सॉरी नॉट सो 16, 50 अगर लगा के चलते हैं 16 के हिसाब से न्यू मार्केट कैप आ जाता है 800 का, सो व्हिच इज डबल, यू कैन डबल 50% सॉरी 100% अपसाइड है. करेक्ट करेक्ट. तो अगर हम बेसिकली 50 × 15 करते हैं, 14-15 जो भी है, 700 के करीब आता है, अभी 400 का है, तो 70 to 100% टाइप्स का अपसाइड आ रहे थे इस मैथ के बेसिस पे जो हमने किया है बेसिकली. या 1 ईयर फॉरवर्ड. या एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इज समवेयर अराउंड 20% राइट. बिल्कुल बिल्कुल. या And which can be managed with जो आपने पहले बोला था 5% allocation. Right, right, right. Perfect, perfect. So I think this is good. आगे चलते हैं, आगे कंपनी का किसी और कंपनी का बात करते हैं. Maybe इस बार एक non-SME लेते हैं. Non-SME में let me just check किसका करना है जो थोड़ी clean हो. हाँ तो राधिका ज्वेलटेक ले लेते हैं. राधिका ज्वेलटेक, राधिका ज्वेलटेक की अगर हम बात करें तो राधिका ज्वेलटेक में नंबर्स बहुत ही सॉलिड आए कंपनी के, काफ़ी अच्छे नंबर्स पोस्ट किए कंपनी ने. और अगर हम उसकी बात करें राइट, कंपनी के एसेट बेस की बात करें तो राधिका का एसेट बेस की अगर हम बात करें तो एसेट बेस जो है कंपनी का वो 2 करोड़ हुआ करता था मार्च 2022 में, 2 करोड़ से 14 करोड़ हो गए मार्च 2023 में, और सितंबर 2023 में भी 13 करोड़ की है. तो सिग्निफिकेंट एसेट बेस एक्सपेंशन हुआ है, जिसकी वजह से जो दिसंबर के रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छा है. दिसंबर में 16 करोड़ का पैट किया है कंपनी ने. तो कोई राधिका के नंबर गेस करना चाहेगा? नीलेश भाई आप राधिका के नंबर गेस करना चाहेंगे? हाँ एक मिनट. तो इनका रिवेन्यू तो काफ़ी अप ट्रेंड में जा रहा है, मार्जिन्स थोड़े वेरी कर रहे हैं, तो अगर इनका मार्जिन एवरेज 10-12% मान लें तो ठीक है. बेस्ड ऑन इनका जो रिवेन्यू ग्रोथ है तो आई थिंक 200 करोड़ का तो एवरेज रिवेन्यू आना चाहिए क्वार्टरली फॉर नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स. 176 ही ले लेते हैं आई गेस, क्योंकि 200 थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाएगा. 176 ही ले लेते हैं. तो 176 ले लेते हैं, 12% का ग्रोथ चल रहा है. बट हाँ अगर 176 भी ले रहे हैं तो कितना 900 करोड़ हो गया, सॉरी 700 करोड़ हो गया. हाँ हाँ. तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 12% के हिसाब से, या 700 पे नेट भी निकाल सकते हैं? हाँ, 84 सीआर हो गया, और अगर टैक्स निकाल के अगर देखें तो 84 का अगर इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन तो वही 1-1 करोड़ ही है. या नेट बेसिकली नेट प्रॉफिट ले लेते हैं. अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन देखो तो वो रफली 8-9% का रेट, 8% फिर उतना ही आ रहा है, 60-65 सीआर के आसपास ही आ रहा है. करेक्ट करेक्ट. 65 सीआर के आसपास आ रहा था बेसिकली, अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन 8% का ले ले राइट, मोटा मोटी 60 करोड़ के आसपास आ रहा था 8-9% पे. तो बेसिक मैथ ये बोलता है कि भाई आपका 12-13 का फॉरवर्ड पी बन रहा है.
करेक्ट करेक्ट 65 पे अगर हम फॉरवर्ड निकालें तो आपका 12-13 का बन जाता है. करेक्ट करेक्ट. और सेक्टर में नॉर्मली अगर हम देखें इसी सेक्टर में जो भी सेनको हो गया या जो भी ज्वेलरी सेक्टर में है आप सारे 25 के ऊपर तो बैठे हैं, 25 से 50 पे भी लोग बैठे हैं, उसके ऊपर भी लोग बैठे हैं, तो 25 तो या 20 से 25 तो मिल ही रहा है ऑलमोस्ट हर एक प्लेयर को, राइट. तो अगर हम 20 पे अपसाइड निकालें तो 20 पे कितना आता है अगर 20 का ही मिलेगा तो फिर पी अगर 20 का पे मिलेगा फिर ये 60% अपसाइड हो गया. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो ये इस तरीके से हमने मैथ कर लिया बेसिकली. आई थिंक ये भी सही तरीका था. इसमें रेवेन्यू ग्रोथ हमने इसमें क्या था कि मार्जिन काफी फ्लक्चुएटिंग है. पिछले दो केसेस में कंपनी थोड़ी स्टेबल थी, इस केस में कंपनी के मार्जिन बहुत फ्लक्चुएट है. तो हमने क्या किया, हमने रेवेन्यू नंबर निकाला. रेवेन्यू नंबर पे एक स्टेबल नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज मान के जो कि एवरेज है उसके हिसाब से हमने पैट निकाल लिया. पैट से हमने फॉरवर्ड पी निकाला और फिर देखा कि किसको कितना पी मिलता है और उस हिसाब से हमने आगे की मैथ कर ली, राइट. जो कि काफी इंटरेस्टिंग तरीका है मैथ करने का. बोलिए अभी भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? हाँ जी आदित्य भाई, इसमें क्या कहते हैं, क्या डिफरेंट है इस बिजनेस में? इट्स मतलब मैं देख रहा था इसमें बट काइंड ऑफ कन्विक्शन आई नहीं इन टर्म्स ऑफ इट लुक्स लाइक अनदर ज्वेलरी बिजनेस. So, इसमें और भी राजेश एक्सपोर्ट्स है, उसका भी 11 का पी है. हाँ जी इन सॉरी मेरी आपको आवाज आई? हाँ जी हाँ जी. इन टर्म्स ऑफ क्या इन्वेस्टमेंट थीसिस लगी, मतलब अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हो इसमें तो मुझे बहुत इन टर्म्स ऑफ मैं उनका व्यू समझना चाहूंगा अगर किसी का है इसमें व्यू. व्हाट्स डिफरेंट बिटवीन अ नॉर्मल ज्वेलरी शॉप जो होती है versus this? Of course, the looks like it's a pretty big jewelry shop based on the numbers, but yeah. Right. I think एक बार इसका अगर आप इसको देखें, right? एक तो इस कंपनी ने, अगर आप थीसिस की बात करें, कंपनी ने काफी बड़ा एसेट बेस बढ़ाया है, तो obviously कंपनी जो चीजें बना रही है वो आगे बेचने की कोशिश करेगी. I don't think इस कंपनी का कोई इस कंपनी का वो देख लेते हैं इस कंपनी के उस पे जाके राधिका ज्वेलरी टेक अगर हम मैथ करें तो इसके अगर हम स्टोर देखें राधिका जूल टेक के तो स्टोर लोकेटर देख लेते हैं. स्टोर लोकेशन जो इनके हैं आपका राजकोट में है, आपका ये आपका एक और दूसरा भी राजकोट में है. तो दोनों स्टोर इनके राजकोट में ही है बेसिकली. आई एम गेसिंग कि स्टोर एक्सपेंशन भी कर रहे होंगे और ये आगे भी किसी और को देते होंगे. तो आई गेस सी वैसे देखा जाए तो कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर तो नहीं है इनके में. आई डोंट थिंक सी ज्वेलरी में एनी वे अगर आप सेनको भी देखें दिल्ली में तो मैंने सेनको देखा है. मतलब आई एम फ्रॉम दिल्ली सो आई नो दिल्ली में सेनको है. फिर आपका तनिष्क हो जाता है. तो ये सारे ऑलमोस्ट मतलब आई वुड से मे बी तनिष्क के का ऑब्वियसली ब्रांड बहुत सॉलिड है तो तनिष्क को एक ट्रस्ट फैक्टर मिलता है. बाकी तो सारे ऑलमोस्ट सेम से ही हो जाते हैं. तो कोई मोट तो नहीं होता है मुझे बिजनेस में, बट इसमें बहुत सारे प्लेयर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं और एग्जिस्ट करते भी है, राइट. और स्पेस बहुत बढ़िया है, इंडिया ग्रो कर रहा है. जैसे इंडिया ग्रो करेगा ऑब्वियसली गोल्ड भी बिक रहा है इंडिया में, लोग गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह खरीदेंगे. तो थिंक स्पेस अच्छा है. मोट आई डोंट थिंक वो बहुत सॉलिड है बट क्लियरली कंपनी एक्सपेंशन करी है तो कुछ सोच समझ के करी होगी. नंबर वगैरह में दिख रहा है, राइट. सो आई डोंट थिंक बहुत जैसे मैकफॉस में भी स्ट्रॉन्ग मोट निकल के आते हैं कि यार बहुत कम बिल्कुल बिल्कुल हां जी हां जी मे बी यहां पे वो मोट निकल के नहीं आता है बट ठीक है. ऐसे बहुत प्लेयर हैं जो कर रहे हैं और देयर इज अ स्पेस फॉर एवरीवन इन द मार्केट, राइट. सो आई वुड से मे बी रिस्क ज्यादा है इस बिजनेस में थोड़ा. एग्जीक्यूशन रिस्क की भाई कॉम्पिटेटिव थ्रेट ज्यादा है बट मैकफॉस में मे बी कॉम्पिटेटिव थ्रेट थोड़ा कम है बट अगेन ग्रोथ से यहां पे भी दिख रहा है. हां जी वन चीज मैं पॉइंट करना चाहूंगा क्योंकि आई थिंक मेन वो देख रहे थे ना जैसे तनिष्क है, कैरेट लेन भी है जो सस्ते को कैटर करता है. सो बहुत कंपटीशन है बट मैं मैकफोर्स में एक चीज मैं और देखता हूँ रोकी नंबर. वो अगर थोड़ा हाई हो ना तो आई थिंक वो आप बोलता है कि काइंड ऑफ कैपिटल बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंपेयर बिटवीन सो मेनी ऑप्शंस देयर ना. सो समटाइम्स दैट हेल्प. मैकफोर्स का दैट्स 56% व्हिच इज वेरी हाई. मतलब ऑफ कोर्स सर्विसेज बिजनेस में भी काफी हाई होता है क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कैपिटल की right. इतनी ज़्यादा इंक्रीमेंटल कैपिटल की. हाँ जी वो भी मैं देखता हूँ. राइट हेलो राइट आदित्य आई जस्ट वांटेड टू ऐड ऑन द राधिका. एक्चुअली मैं काफी इसको क्लोजली फॉलो अप करता हूँ इसको. हाँ जी इसको स्काई गोल्ड को एक्चुअली मैंने आई मेड सम गुड मनी इन बोथ ऑफ देम. तो स्काई गोल्ड का अगर जैसे आप देखते हो ना उसका टिकट साइज रहता है 5,000 से 50,000 के बीच में जो उनकी ज्वेलरी है. दे टारगेट द यूथ बेसिकली. और राधिका में क्या है दे टारगेट द डिज़ाइनर कैटेगरी. तो उनका उनका जो राजकोट में सेकंड शोरूम ओपन किया है ना उन्होंने
उसमें दे हैव मेड एक्सपीरियंस सेंटर्स, फॉर एग्जांपल यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट, आपके घर में शादी वादी है, आप जाओ एज ए फैमिली और आप वहाँ पे जाके डिज़ाइनर ज्वेलरी को ट्राई करो, अपना डिज़ाइन वगैरह फिक्स करो, दे विल गिव यू कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस। तो उसकी वजह से उनके मार्जिन्स विल ऑलवेज बी इन द डबल डिजिट। फ्लक्चुएट इसलिए हुए थे क्योंकि उन्होंने एक्सपेंशन किया था, लाइक यू सेड फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, तो उन्होंने राजकोट में जो सेकंड शोरूम ओपन किया है दैट इज़ 4 times बिगर देन देयर फर्स्ट शोरूम। तो पहले शोरूम से दूसरा शोरूम 4 times बड़ा है, इसलिए आपने लास्ट 6 months में आप देखोगे कि थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ज़्यादा थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो एम्प्लॉयज़ का कॉस्ट वगैरह बड़ा होगा, वो सब बड़ा होगा, बट मार्जिन्स ऑलमोस्ट उतने ही रहे होंगे, इसलिए शायद वो अच्छे से उसमें आया नहीं। बट आई थिंक नाउ कंसिडरिंग द लास्ट क्वार्टर, आई थिंक थिंग्स हैव सेटल्ड क्वाइट अ बिट, और अब आपको उसमें ना मार्जिन्स में काफ़ी स्टेबिलिटी दिखेगी। तो इनका बेसिक जो है ना बेसिक वो है डिज़ाइनर ज्वेलरी, ये एक्सपीरियंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, कस्टमाइज्ड ज्वेलरी प्रोवाइड करते हैं शादियों वादियों के लिए, वेडिंग सीजन के लिए। तो वेडिंग सीजन्स में इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हैं, जैसे ही थोड़ा वेडिंग्स का सीज़न कम होता है तो थोड़ा सा इनका उसमें सिक्लिकलिटी का भी एंगल आ जाता है, बट ओवरऑल आप ये आई थिंक आने वाले 1-2 years इनके काफ़ी अच्छे नंबर्स आएंगे, क्योंकि जो सेकंड शोरूम है दैट इज़ 4 times बिगर दैन द फर्स्ट वन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर 4 times साइज बढ़ गया शोरूम का, और विच इज़ एक्चुअली 6x नाउ इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन, तो एक्चुअली जो सेल्स हैं 2 years पहले उसको उसमें 7-8 times जंप आना चाहिए आइडली, अगर देखा जाए स्केलेबिलिटी को अगर समझा जाए। तो आई थिंक अच्छी कंपनी है, इसका सेकंड जनरेशन ही रन कर रही है अभी, काफ़ी इसकी सेकंड जनरेशन आ चुकी हुई है, आई थिंक दे हैव डन सम MBAs एंड ऑल दैट, और जो इनकी रिसेंट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी थी, they are talking about opening new showrooms also, I think they are focusing only on Gujarat as of now, इसलिए आपने देखा होगा राजकोट में इनकी जो सेकेंड शोरूम खुला ना वो वहाँ की बिजिएस्ट स्ट्रीट होती है ना, जैसे एक शहर की MG Road टाइप, वहाँ पे इनका सेकेंड शोरूम इन्होंने ओपन किया। तो आई थिंक गुजरात में इनका सौराष्ट्र रीजन में इनका काफ़ी नाम है। got it. हाँ जी, Thanks for sharing this, Shree bhai. And I think what I will also say to the audience is that अगर आप देखें right, यहाँ पे जो हम लोग सब मैथ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं right, अगर आप मैथ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, और अगर आप जैसे आप नॉलेज देखें right, जो अब जो किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड है जैसे Shree bhai राधिका ज्वेलटेक में है, तो उनको पूरा अच्छे से ए टू जेड मालूम है उस बिजनेस के बारे में राइट। तो जितना हम इन डेप्थ जाएंगे राइट, और मैं तो आपको मेरा एक बिजनेस है डॉक मोड, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि उसकी मार्च में वेबसाइट विजिट्स कितनी थी, जान में वेबसाइट विजिट्स कितनी थी, फरवरी विजिट्स कितनी थी राइट। तो हमारे पास इतना डेटा है कि बहुत स्मार्टली डेटा के ऊपर पूरी मैथमेटिक्स बिल्ड कर सकते हैं, और इस मैथ की क्या होती है कि हमने पूरा लॉजिक पे मैथ कर रखा है, अभी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर्स 20-30% पे पहुंच जाती है कि यार पूरा मैथमेटिक्स पे चल रहा है इन्वेस्टिंग, और ऑब्वियसली मैथमेटिक्स ड्रिवन इन्वेस्टिंग करेंगे तो पूरा लॉजिक बेस्ड इन्वेस्टिंग हमने बना दी है। तो डेटा पे करेंगे तो बहुत लॉजिकल इन्वेस्टिंग होता है, डेटा पे नहीं करेंगे तो फिर आप भगवान भरोसे कर रहे होंगे, और भगवान भरोसे इन्वेस्टिंग में पैसा नहीं बनता है। पैसा तभी बनता है जब लॉजिक से आप प्रॉपरली अच्छे से पैट एस्टिमेट निकाल पाए और उस पैट एस्टिमेट को ट्रैक कर पाए राइट। तो मैं यही बोलूंगा जो अभी सट्टाबाजी या बिना डेटा के इन्वेस्टिंग करते हैं वो डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिंग कीजिए, मैथ करें और पूरा पढ़ाई करें, अपने बिजनेस को अच्छे से स्टडी करें, उसका एसेट बेस देखें, जो कि मैंने पहले बोला था एसेट बेस बढ़ा है राइट। Shree bhai ने उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया कि सेकंड स्टोर इज वॉट एवर 4x द फर्स्ट स्टोर राइट, सो दैट बेसिकली मेक्स द एसेट बेस एक्सपेंशन लाइक वेरी लॉजिकल एंड इंट्यूटिव एज वेल राइट। द सेकंड स्टोर इज फार बिगर देन द फर्स्ट स्टोर। तो ऐसे ही आप मतलब काफी ज्यादा लॉजिकल बेसिस पे आप पूरा मैथ एस्टिमेट हम कर सकते हैं किसी भी कंपनी का, ठीक है। तो आई थिंक थैंक्स सो मच, इससे हम आगे बढ़ते हैं राधिका ज्वेलटेक से नेक्स्ट कंपनी पर आते हैं। एंड जो सॉवरेन नहीं यूज करते हैं वो सॉवरेन ट्राई कर सकते हैं, सॉवरेन एक इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है, हम ये सारा इन्फॉर्मेशन लोग को देते हैं कि कहाँ पे एसेट बेस एक्सपेंशन हो रहा है, कहाँ पे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, कहाँ पे प्रेफरेंशियल हो रहा है, कहाँ पे स्टोर खुल रहे हैं, कहाँ पे लार्ज ऑर्डर मिले हैं, ताकि ये मैथ जो मैथ हम कर रहे हैं राइट ये ईजी हो जाए और हम आराम से मैथ बेस्ड इन्वेस्टिंग कर पाए। हमारा न्यूज़पेपर सॉवरेन टाइम्स जो कि हर रोज आता है, हर रोज हम 5 companies के ऊपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, IPOs के ऊपर डेटा भी प्रोवाइड करते हैं,
सिमिलरली अगर आपको जानना हो कि यार किस कंपनी ने अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए तो आप हमारे डिस्कवरी प्लेटफॉर्म में जाके एक स्प्लिट सेकंड में जान सकते हैं। अगर आपको जानना हो कि किस कंपनी में प्रेफरेंशियल आया है तो आप बहुत जल्दी से जान सकते हैं। तो सारा डेटा है हमारे पास। अभी हम होली ऑफर वी हैव स्टार्टेड द होली ऑफर टुडे, तो जो हमारा प्राइसिंग पहले 1000 का था अभी हमने 600 कर दिया है। तो जिसको भी ट्राई करना है वो वेबसाइट पे जा सकते हैं sovereign.com एंड ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी यूजर्स आई थिंक सॉवरन ट्राई करते हैं, जितना मुझे मालूम है अभी भाई सॉवरन यूज करते हैं, प्रीत भाई ने तो बोले सॉवरन यूज करते हैं, नीरेश भाई भी शायद सॉवरन यूज करते हैं, शिव भाई शायद आप भी सॉवरन, आई एम नॉट श्योर, शायद आप भी यूज करते हैं। तो काफी लोग हैं यहाँ पे जो यूज करते हैं, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं जो नहीं करते और डेटा ड्रिवन मैथ ड्रिवन इन्वेस्टिंग बेसिकली कर सकते हैं। ठीक है, अगेन आई थिंक आगे बढ़ते हैं और एक कंपनी ले लेते हैं जिसका मैथ्स करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मे बी अभी और कौन सी कंपनी ले, तो KDDL करके कंपनी, KDDL KDDL का मैथ कर लेते हैं। KDDL के मैथ्स को कौन करना चाहेगा? एनीवन हु वांट्स टू डू KDDL का मैथ? और KDDL जो है उसकी एक और सॉर्ट ऑफ सिस्टर कंपनी है ईथॉस करके, ईथॉस ऑलमोस्ट सेम ही प्रमोटर ग्रुप है, तो KDDL ईथॉस ऑलमोस्ट सेम प्रमोटर ग्रुप की कंपनीज है। उनका नाम है आई थिंक साबू फैमिली है जिनके पास ये दोनों है, KDDL और ईथॉस भी, तो ये दोनों सॉर्ट ऑफ सिमिलर प्रमोटर ग्रुप की कंपनीज है ये KDDL और आपका ईथॉस, राइट। तो एक बार KDDL का मैथ कर लेते हैं, KDDL के नंबर्स भी काफी सॉलिड आए थे, तो KDDL का मैथ कौन करना चाहेगा? एंड एक बार KDDL का एसेट बेस भी देख लेते हैं। KDDL का एसेट बेस जो है 305 से बढ़कर 353 करोड़ हुआ है इन द सेप्टेम्बर क्वार्टर और 22 करोड़ का CWIP है, तो बेसिकली अगले साल तक एटलीस्ट 375-380 करोड़ का एसेट बेस एक्सपेंशन हो जाना चाहिए, राइट। तो 375 करोड़ का एसेट बेस एक्सपेंशन हो सकता है KDDL के केस में। इसका इसमें सीजनैलिटी है बिजनेस में, इनका दिसंबर क्वार्टर हमेशा अच्छा आता है और फिर मार्च में हल्का सा बिजनेस गिर जाता है, तो आई थिंक वो हमें थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा कि मार्च में हल्का सा बिजनेस गिर सकता है और उस बेसिकली आपका जो सीजनैलिटी है उसके चलते हम थोड़ा मैथ एस्टिमेट कर लेते हैं कि सीजनैलिटी धंधे में दिसंबर नंबर हमेशा सबसे सॉलिड आता है, तो उसके हिसाब से आपका कितना प्रॉफिट आ सकता है वो हम थोड़ा एस्टिमेट कर लेते हैं। तो कौन करना चाहेगा KDDL का मैथ? जो करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं कि KDDL का मैथ, आई वॉन्ट टू डू दिस मैथ फॉर, और जो भी करना चाहेंगे मैथ वो बता सकते हैं। कोई नए स्पीकर आके करना चाहेंगे KDDL का मैथ? आई गेस KDDL का तो कोई लिख रहा है क्या? मैं वही चेक कर रहा हूँ किसी ने लिखा है क्या कि KDDL का कौन करना चाहेगा। आई गेस और तो कोई लिख नहीं रहा है, तो KDDL का मैं खुद ही कर लेता हूँ। इफ यू लुक एट इट राइट, अगर हम इनके मार्च के नंबर्स देखें तो मार्च इनका 77 करोड़ का था, इस साल इनका ऑलमोस्ट अगर हम देखें 124 हो चुका है और मे बी जो अगला मार्च क्वार्टर में भी उसमें 22-23 करोड़ का पैट आ सकता है, तो 125-126 करोड़ का पैट इस साल आएगा, 125 करोड़ के आसपास, एंड 20% एसेट बेस एक्सपेंशन क्लियरली हुआ है, राइट। तो आप अगर हम दिसंबर टू दिसंबर क्वार्टर कंपेयर करें 20% एसेट बेस एक्सपेंशन दिख रहा है। अगर हम सेम चीज 20% रेवेन्यू एक्सपेंशन भी करें और 20% आपका पैट एक्सपेंशन भी करें, तो 125 पे 20% लगा लेते हैं, 125 पे 20% रफली 150-160 करोड़ का पैट आ सकता है अगले साल, तो 160 करोड़ का पैट आ सकता है बाय सिंपली डूइंग एसेट बेस एक्सपेंशन ऑफ 20%। एक बहुत ही बेसिक मैथ है, ऑब्वियसली प्रॉफिट अपट्रेंड से कंपनी में थोड़ा और ओवरशूट कर सकता है, बट 160 करोड़ का एक रीजनेबल नंबर लगता है कि 160 करोड़ का पैट 150-160 कंजर्वेटिव बेसिस पे कंपनी कर सकती है अगले उसमें, क्योंकि जो एसेट बेस है वो आपका 20-25% से बड़ा है, तो सेम आप पूरे साल पे सॉर्ट ऑफ एक्सट्रापोलेट कर दो, और अभी दिसंबर क्वार्टर में भी 20% चल रहा है, तो वही हम अगले पूरे साल पे एक्सट्रापोलेट करेंगे, 20% का एक्सपेंशन आ सकता है, राइट। तो इसमें देखिए तो 125 ऑलरेडी हो रखा है और मे बी 20% ऐड कर दीजिए, तो 150 करोड़ का पैट का नंबर आ सकता है KDDL के केस में। ठीक है, ये थोड़ा सा सीजनल बिजनेस है, तो
इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, हम इंटू फोर नहीं कर सकते क्योंकि दिसंबर क्वार्टर सबसे अच्छा रहता है, तो हम इससे सिंपली इंटू फोर नहीं कर पाएंगे, हमें सीजनैलिटी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इससे जो आंसर है वो थोड़ा कम हो जाता है। अगर हम स्ट्रेट अवे इंटू फोर करेंगे तो आपका 37 × 4 थोड़ा सा मे बी आपका वो भी वैसे मोटा मोटी उतना ही आता है, बट आई गेस थोड़ा सा सीजनैलिटी का ध्यान हमें यहाँ पे रख लेना चाहिए। तो ये KDDL का मैथ हो गया, मोटा मोटा 150-160 करोड़ का पैट आ सकता है अगले साल तक, ठीक है। इसमें आपने एसेट बेस्ड एक्सपेंशन कैसे फिगर आउट किया इस साल का, क्योंकि अगले साल का पैट तो इस साल के जो एसेट्स इंक्रीज होंगे उस पे डिपेंड करेगा ना। हाँ, तो मैंने ये करा कि दिसंबर टू दिसंबर 20% है, राइट, तो उसमें एसेट बेस का इंपैक्ट मेरे को दिख रहा होगा, तो मुझे आगे भी वही सेम चीज दिखती रही। ये डेटा कहां से मिला आपको, दिसंबर 23 का एसेट का डेटा? नहीं, दिसंबर मैंने एसेट का डेटा नहीं देखा, दिसंबर 23 का पैट का डेटा देखा, 31-37 बेसिकली, 31-37 राइट, तो वो 20% का ग्रोथ दिख रहा है, तो वही 20% अगर आगे भी एक्सट्रापोलेट होता रहेगा तो आपका 20% से पूरा ईयर एक्सट्रापोलेट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मुझे लगा बोल रहे हो कि 20% इनका एसेट, नहीं नहीं, 31-37 इज 20% इंक्रीज, तो वही 20% इंक्रीज आगे भी लगा दिया। ओके ओके, क्योंकि पूरा एसेट बेस आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि वो हाफ हाफ ईयर में हुआ है, राइट, तो हाफ ईयर का डेटा दे रहे हैं वो, तो पूरा समझ नहीं पाएंगे, बट क्योंकि दिसंबर टू दिसंबर इतना दिख रहा है तो सेम चीज में आगे भी एक्सट्रापोलेट करो। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि यार पूरा एक्सट्रापोलेशन ना बैठे, बट कंपनी और फर्दर केपेक्स भी कर रही है, तो इतना कंजर्वेटिव बेसिस पे 20% मुझे लगता है आ जाना चाहिए, जो जो कि हमने मैथ किया, प्लस वैल्यूएशंस काफी डिसेंट, तो वैल्यूएशन डाउनसाइड ज्यादा बड़ी नहीं बैठती है। मतलब हम अगर यही 60 के पी पे होता तो मैं मे बी थोड़ा और ज्यादा एक्यूरेट मैथ करना चाहता, बट क्योंकि 24-25 के पी पे है, 30 के पी पे है, तो इतना ज्यादा इवन इफ आई एम ऑफ बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, इवन इफ वी आर स्लाइटली ऑफ, प्लस वी आर बीइंग वेरी कंजर्वेटिव, हम सिर्फ 20% का ग्रोथ ले रहे हैं दिसंबर टू दिसंबर, तो आई गेस इससे ज्यादा आ सकता है। ठीक है, और कंपनी ले लेते हैं जहां थोड़ी सी सिंपलिसिटी रहे, उसका मैथ भी कर लेते हैं। मे बी और कौन सी कंपनी देखें जिन पे वो है, मे बी BCL इंडस्ट्रीज के लिए कर लेते हैं, BCL नहीं छोड़ देते हैं, WS इंडस्ट्रीज कर लेते हैं, WS इंडस्ट्रीज का पार्ट निकाल लेते हैं, WS का कितना आएगा एक साल, इस साल के एंड में और अगले साल के एंड में, एक बार WS का पैट निकाल लेते हैं। WS का कोई करना चाहेगा, मतलब आई डोंट थिंक वी आर गेटिंग एनी न्यू स्पीकर्स, बट WS इंडस्ट्रीज का कोई पैट एस्टिमेट निकालना चाहेगा तो निकाल सकता है। इफ पॉसिबल कैन वी शेयर द स्क्रीन सिलिकॉन संजू, WS का आप करना चाहेंगे, आप में से कोई अभी भाई आप करना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, कोई नए स्पीकर को मैंने कहा कि पता लग जाए उनको कैसे करते हैं ना। हाँ, बट कोई आ ही नहीं रहा, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ, मतलब इट्स कोई आ नहीं रहा, आना नहीं चाहिए। ओके, दैट्स फाइन, हाँ दैट्स फाइन, हम कर लेते हैं। ओके, सो 5 ये है, 14 + 14, सो 15 का पी आ जाता है, सॉरी मैं अराउंड लगा के चल रहा हूँ 14 का, अगर नेक्स्ट 3 months का आएगा कंजर्वेटिव, सो दैट टेक्स द पैट, मतलब पैट हो जाता है 44 का, 44 के हिसाब से 15 का पीई आ जाता है इन द नेक्स्ट 3 months, व्हिच इज एक्चुअली वेरी गुड, राइट। तो आप 14 का पैट पकड़ रहे हैं, राइट, अगले इसमें, और वही अगर थोड़ा कंजर्वेटिव ले 11-14 थोड़ा फ्लक्चुएट करें, मे बी 11 ही ले लेते हैं तो कितना आता है? ओके, 11 ले लेते हैं तो 16.7 17 का आ जाता है पी, 11 + 14 इज आपका 25 + 11 = 36, 41 का पैट आ जाता है, राइट, 41 का, हां जी, हां जी, 41 का पैट आ जाता है और आपका 15 का पी आ जाता है मोटा मोटी, 15 नो 16.7 बिजनेस समझे तो ये जैसे इसने बस टर्मिनल बनाया या इसने कोई ड्रेन बनाया या इसने कोई रियल एस्टेट का बिल्डिंग बनाया, तो ये तो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर या लेबर इम्प्लॉय करके अपना बिल्डिंग या कोई भी रियल एस्टेट स्ट्रक्चर टाइप्स बनाते हैं, और मल्टीपल टाइप का रियल एस्टेट स्ट्रक्चर हो सकता है, इसमें एसेट बेस का कोई लेना देना है नहीं बेसिकली, और ये टेक ओवर कंपनी भी है, तो इसलिए जो आपको पहले का 400 करोड़ दिख रहा है तो अब ये कोई और बिजनेस होता होगा, अब ये कोई और बिजनेस है, तो इसका उस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। इसका 20 से 50 का होना चाहिए पी,
ठीक है अगले साल का पैट निकाल लेते हैं फिर 25 का कितना पैट आएगा, और इसका थोड़ा मैं एक बार वो भी पढ़ लेते हैं। इस कंपनी को 31 करोड़ का ऑर्डर मिला है फॉर रेल ओवर ब्रिज बनाने के लिए तिरुचिरापल्ली सिटी कॉर्पोरेशन तमिलनाडु, जो कि 22 महीने में करना है। कंपनी हैड अ जेवी विद बैंगलोर बेस्ड प्रेस्टीज ग्रुप फॉर डेवलपमेंट ऑफ आई टी पार्क, तो कंपनी आई टी पार्क बना रही है, कंपनी रेल ओवर ब्रिज बना रही है। कंपनी को एक 317 करोड़ का ऑर्डर मिला था फॉर न्यू मल्टी विलेज स्कीम कंबाइंड वाटर सप्लाई स्कीम टू नागापट्टिनम म्यूनिसिपैलिटी अंडर जल जीवन मिशन, तो जल जीवन मिशन का भी फायदा हो रहा है कंपनी को। और कंपनी को 55 करोड़ का ऑर्डर मिला था फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड स्टॉर्म वाटर ड्रेन वर्क्स इन M1 एंड M2। तो अगर हम कंपनी की ऑर्डर बुक देखें राइट, तो कंपनी की ऑर्डर बुक काफी सॉलिड होगी, मतलब कंपनी को काफी ज्यादा ऑर्डर्स मिल रखे हैं। अगर हम लास्ट ईयर कोई ऐड करें तो आपका 317 करोड़ प्लस 55 करोड़ प्लस आपका 30 करोड़ 317 आपका 420 करोड़ का ऑर्डर तो हमें ऑर्डर बुक तो हमें दिख ही रहा है। 10% का नेट प्रॉफिट है इनका अप्रोक्सीमेटली। राइट नहीं वो ठीक है, मतलब ये ऑर्डर बुक तो वैसे भी और आता रहता है हमारे पास पूरी ऑर्डर बुक। ओके मैं तो बस सिंपल ऐड कर रहा हूं, अगर हम प्रॉफिट अपडेट से कर आई थिंक दैट्स अ बेटर वे, क्योंकि आप सिंपली ऐड कर दोगे तो ऑर्डर बुक कभी आपको पूरा दिखेगा नहीं अनलेस कंपनी आपको दे कि कितना ऑर्डर बुक है। राइट तो प्रॉफिट अपडेट इज द बेस्ट केस में, तो प्रॉफिट अपडेट से हम निकाले तो अगले साल का कितना आता है पैट। इनका एक लैंड भी है पोरूर में जिसके पास चेन्नई में एयरपोर्ट बन रहा है, हां इनका इनकम भी काफी बढ़ जाएगा अगर वो कंप्लीट हो गया विद इन नेक्स्ट 2-3 इयर्स। राइट ओके अगले साल का आदित्य जी कितना ले रहे हो बैट? अगले साल का वही अगर हम 12 के हिसाब से भी कर रहे हैं तो 48 करोड़ का पैट आ सकता है। राइट अगर हम 48 ठीक है, फिर आ गया वही 14 का पी आ जाता है करेक्ट, क्योंकि 420 करोड़ का ऑर्डर बुक तो है ही हमारे पास। राइट अब उसमें से पूरा ऑर्डर बुक हमें दिख नहीं रहा होगा, कुछ ऑर्डर बुक 22 महीने का भी है तो वही लास्ट और प्रॉफिट अपडेट क्लियरली दिख रहा है, तो आई थिंक वही मतलब एग्जैक्ट मैच नहीं करवाएंगे बट मे बी 12 इज अ फेयरली डिसेंट नंबर, 12 × 4 के तो आपको 48 का पैट आ जाता है, 48 या और थोड़े कंजर्वेटिव पहले 45 का पैट मान लिया, 45 का पैट और 686 का मार्केट कैप आपका, तो आपको वही 15 के आसपास का पी आ जाता है बेसिकली फॉरवर्ड बेसिस पे। राइट तो इसमें भी प्रॉफिट अपट्रेंड है, अगेन हम ये जो मैथ करें इन सारी कंपनी से प्रॉफिट अपट्रेंड है, इनकी ऑर्डर बुक्स बहुत सॉलिड है, इन्होंने प्रेफरेंस कर रखा है, तो हम ये मैथ को कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली ये सारी मैथ फेल हो सकती है क्योंकि हम एक सिंपलिस्टिक मैथ कर रहे हैं, और हम अगर कोई कंपनी गाइडेंस दे रही है तो हम गाइडेंस के बेसिस में और बेटर निकाल सकते हैं, बट आई थिंक दैट्स द बेस्ट गिवन द डेटा वी हैव व्हाट वी आर डूइंग इज द बेस्ट मैथ व्हिच कैन बी डन। राइट इसमें डिसअपॉइंटमेंट आएगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव रिएक्शन भी आएगा स्टॉक मार्केट में, बट मोस्ट लाइकली क्योंकि हमने काफी चेक्स लगा रखे हैं, प्रॉफिट अप ट्रेंड है, ऑर्डर बुक सॉलिड है, प्रेफ हो रखा है, तो प्रॉफिट डाउन ट्रेंड आने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं बेसिकली। राइट तो और कोई करना चाहेगा आके मैथ, यू कैन राइट क्या आई वांट टू डू द मैथ सो दैट आई नो कि किसको ऊपर लेना है स्पीकर पैनल में। अरुण जी बोल रहे हैं कैन यू प्लीज ऐड मी अरुण गर्ग, देख लेते हैं। हेलो हाँ जी बोलिए। हाँ जी मेरा सवाल है, जो अभी आपने कहा कि प्रॉफिट अप ट्रेंड है तो ये आप सिर्फ लास्ट 3 quarters का देख रहे हैं क्योंकि इससे पहले तो हाल इससे पहले टेक ओवर कंपनी है ये, तो इससे पहले कंपनी खाली होती थी फिर इसको एक नए प्रमोटर ने खरीदा था, तो इसका जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है उसका कोई महत्व नहीं बचता क्योंकि ये कंपनी खरीदी गई थी एक नए इंसान से, तो जो नया इंसान जब आया उसने जो काम करना चालू किया हमें उसी का अप ट्रेंड देखना चाहिए। समझ गए आप दी भाई? Okay.
आदित्य जी, ईयर एंड तक, मार्च एंड ईयर एंड तक कितना ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करने वाले, वो कैसे पता कर सकते हैं हम? क्योंकि ऑर्डर बुक का विजिबिलिटी है, लेकिन कितना एग्जीक्यूट करेगा ये सिर्फ मैनेजमेंट के कॉन कॉल के ऊपर बता सकते, नहीं तो गाइडेंस के ऊपर बता सकते। तो इसमें आपने जो 420 करोड़ या 430 करोड़ का ऑर्डर बुक लिया, तो पूरा ऑर्डर बुक इसी साल में कंप्लीट होने वाला है? नहीं, सी क्या है, ऑर्डर बुक आपको विजिबिलिटी नहीं दे रखी, मैंने तो ऑर्डर को बस ऐड कर दिया, बट कंपनी हमें छोटे ऑर्डर की विजिबिलिटी देगी नहीं, राइट? तो हमें कभी भी ऑर्डर बुक हमें तभी पता लग सकती है जब कंपनी ऑर्डर बुक बताए, नहीं तो हमें कोई तरीका है नहीं पता करने का ऑर्डर बुक एक्चुअल में कितनी है। हम बस ये देख सकते हैं ऑर्डर मिल रहे हैं कि नहीं, हाँ मिल रहे हैं तो हमारी मैच सही होनी चाहिए, और कंपनी ने प्रेस किया कि नहीं, तो इसका कोई हम उस ऑर्डर का यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली यूज प्रॉफिट अपट्रेंड का ही कर रहे हैं, बस ऑर्डर हमें थोड़ा सा ट्रस्ट ज्यादा दे रहे हैं कि हाँ मैच होल्ड करनी चाहिए, नहीं तो आप इस ऑर्डर बुक, इस ऑर्डर डेटा को यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपको कंपनी ने प्रॉपर ऑर्डर बुक डिस्क्लोज नहीं कर रखी है। राइट राइट, क्योंकि कुछ कुछ कंपनियां जो होते हैं उनको बहुत बड़ा ऑर्डर बुक मिलता है, लेकिन वो बताते हैं कि इस साल में हम इतना करने वाले, लाइक सपोज वो 1000 करोड़ का अगर उनको ऑर्डर मिला है, तो इस साल वो 500 करोड़ का करने है, 500 करोड़ का वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करने वाले, तो वैसा कुछ तो मैनेजमेंट में नहीं बताया इसमें। तो इसमें जो टोटल ऑर्डर बुक कितना है, टोटल इनका 400 कितना बोला आपने, 420, वो मैंने ऑर्डर ऐड किया, वो ऑर्डर बुक नहीं है, वो ऑर्डर्स रिसीव्ड इन द ईयर है बेसिकली, एक्चुअल ऑर्डर बुक कितने वो हमें पता ही नहीं है वो डेटा। ओके, अगर 420 अगर ले लिया तो उसी हिसाब से उनका 10% अगर ओपीएम है, नेट प्रॉफिट है, तो हम 42 करोड़ ले सकते हैं। हाँ, अगर वो कर रहे हो, बट उसमें भी क्या है कि अगर आप उसमें देखोगे राइट, एक ऑर्डर 2 साल की ड्यूरेशन का है, तो एक्जैक्टली वो मैथ भी सही नहीं है, प्रॉफिट अपट्रेंड के हिसाब से और कोई तरीका है नहीं करने का, मतलब अगर आप देखा जाए तो, क्योंकि अगर आप वैसे करो राइट, अगर मैं इसके ऑर्डर बुक की ड्यूरेशंस बताऊं आपको, तो आई जस्ट टेल यू द ड्यूरेशंस, जो आपके ऑर्डर बुक है, जो आपका 317 करोड़ का ऑर्डर है 18 महीने में एग्जीक्यूट करना था, तो वो भी 1.5 साल का है, तो एक्चुअली हमें फिर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा 1 साल के लिए, 1.5 साल का मतलब अराउंड 240 का करोड़ इस साल में, 240 का 1 साल का आता है, बट अगेन प्रॉब्लम वही है कि कंपनी ने पूरा बता नहीं रखा है, तो आप एग्जैक्टली इनके बेसिस पे कर नहीं सकते अनलेस यू नो द एग्जैक्ट ऑर्डर बुक, राइट? तो ये बस आपको वो करे कि हाँ ऑर्डर्स हैं तो कंपनी कर पाएगी, बट इसका आप प्रॉपर्ली यूज नहीं कर सकते अपनी मैथ में, राइट? राइट राइट राइट, तो ठीक है, आई गेस काफी मैथमेटिकल ड्रिवन हम लोग कर रहे हैं, होपिंग लोगों को समझ आ रहा है कि इन्वेस्टिंग मैथ से होती है, इन्वेस्टिंग सट्टाबाजी नहीं है, इसमें बहुत दिमाग जाता है, सब लोग बैठ के अपना मैथ करते हैं और उसके हिसाब से अपना नंबर निकालते हैं, राइट? एक और कंपनी ले लेते, द्रोणाचार्य, आई थिंक ये थोड़ा सिंपल रहेगा क्योंकि एसएमई कंपनी है, इसका कितना पैट आएगा इस साल, कोई गेस करना चाहेगा द्रोणाचार्य के केस में? शशि आनंद जी बोल रहे हैं ही विल वांट टू अटेम्प्ट वन, तो उनको बुला लेते हैं, और शशि आनंद जी, हाँ बुला लेते हैं। तो शशि आनंद जी, द्रोणाचार्य का पैट आप कैलकुलेट कर लीजिए, द्रोणाचार्य का पैट इस साल कितना आएगा और अगले साल कितना आ सकता है? Just give me a moment. Sure. And while you look at it, I'll talk about Dronacharya, कि Dronacharya में क्या-क्या चल रहा है, so that people know कि इसके अंदर क्या हो रहा है। Dronacharya में एक इंडियन आर्मी का जो लैब है जम्मू कश्मीर में, वहां उनको एक आईटी हार्डवेयर सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है, कंपनी ने एक्विजिशन ऑफ एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ प्रिसीजन मैपिंग सिस्टम फ्रॉम अर्थ ट्री एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी को नॉर्दर्न कमांड से ऑर्डर मिले हैं, कंपनी को द कंपनी हैविंग अवार्डेड अ सिग्निफिकेंट सर्विस ऑर्डर फ्रॉम अदानी टू प्रोवाइड डीजीसीए सर्टिफाइड ड्रोन पायलट ट्रेनिंग, खैर ये तो बहुत ही छोटा ऑर्डर है, बट आई डोंट नो कंपनी ने क्यों डिस्क्लोज किया है। कंपनी साउथ ईस्ट एशियन मार्केट में भी एंट्री कर रही है विद द ऑफिशियल इनॉग्रेशन ऑफ ड्रोन एंट्री थाईलैंड न्यू ऑफिस स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड AIT बैंकॉक। द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन एंड ITC लिमिटेड हैव लॉन्च्ड ऑल विमेन्स नमो ड्रोन दीदी बैच, तो ITC के साथ भी कंपनी ने थोड़ा टाई अप कर रखा है। Company has launched the launch of groundbreaking FVP drone equipped with advanced day and night vision capabilities tailored specifically for defense applications. Company has signed a term sheet to acquire 76% stake in Aerofile Academy Private Limited, a prominent DGCA certified drone pilot training center in South India. The move strategically marks Dronacharya's foray into South India's drone pilot landscape, further solidifying its position as India's leading drone pilot training organization. तो ये सारा कंपनी ने कर रखा है, ये सारा डेटा सॉवरेन में अवेलेबल है, तो आप में से जो भी चाहे सॉवरेन ट्राई कर सकते हैं। हम होली ऑफर चला रहे हैं, 600 रुपए 2 महीने का हमारा ऑफर चल रहा है इस टाइम पे, फॉर 2 मंथ्स यू कैन ट्राई आउट सॉवरेन। तो इसका मैथ कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड पैट कितना आएगा साल के एंड पे, शशि जी कैन सॉर्ट ऑफ
करोड़ का पैट दिखता है, तो ट्रेलिंग में अगर देखें तो 341 का मार्केट कैप है अभी, तो 25 का टीटीएम आएगा ना, अगर आप देखें तो अच्छा सितंबर आप मतलब बेसिकली मार्च में इनका 3 करोड़ का पैट था, मार्च में सितंबर में 4 करोड़ का हो गया, तो इतना ग्रोथ नहीं, 3 से 4 है, तो मैं भी 4 का 5 भी मान लो तो आपका 4-5-9 करोड़ का ही पैट आता है, 13 थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो गया ना, अग्रेसिव हुआ बिकॉज दीज गाइज आर डूइंग मतलब ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन देयर एग्जीक्यूशन आल्सो, बट एवरी वीक दीज गाइज आर गेटिंग एनी ऑर्डर, और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम जो है दिस इज वेरी वेरी शॉर्ट, मतलब इट्स नॉट लाइक अ ईयर कैपिटल वाला कंपनी जो 1 साल 2 साल में ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा, और इनके जो पास्ट ऑर्डर्स हैं उनका भी अपटिक आना शुरू हो जाएगा इसमें, तो देयर प्रोजेक्ट्स आर 3 months 6 months एज वेल, एंड दे आर दीज गाइज आर गेटिंग ऑर्डर्स एवरी वीक, मतलब एवरी वीक एक न्यूज आता ही आता है इनका, तो दीज गाइज आर अग्रेसिव प्लस, और जो अभी इसके हिसाब से पैट आ रहा है वो 25 का आ रहा है, जेन टेक्नोलॉजी है इसमें और भी एक दो कंपनीज है, सबसे लोएस्ट पी पे चल रहा है अभी अगर मैं देखूं तो, मतलब 65 के पीस पे भी है कुछ कुछ, और ये ग्रोइंग सेक्टर है, अगले 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल काफी ग्रोथ आएगा, तो जो टीटीएम अगर मैं थोड़ा सा उसको अगर मैं कम कर दूं कि मैं उसको मतलब मार्च 24 का पैट नंबर निकाल लेते हैं, सी मार्च 24 में 5 करोड़ भी आ गया, 4 या 5 तो 8-9 करोड़ का पैट आता है बाय मार्च 24 राइट, तो अगर 8-9 करोड़ का भी पैट मान लो, 9 करोड़ के पैट पे कितना फॉरवर्ड आ गया वो निकाल लेते हैं, अभी 340 करोड़ की मार्केट 9 पे 37 आ जाएगा, 37 करेक्ट, हां 38 के आसपास आएगा, लमसम 38 के पास आएगा, विच इज स्टिल लो एंड इट्स अ वेरी अग्रेसिव ग्रोथ कंपनी, छोटे छोटे ऑर्डर्स ले रही है, और इन्होंने अभी अपना नॉट ये इसको क्या बोलते हैं दुबई वाला जो मार्केट है उसको टैप करने के लिए अपनी टीम वहां पर डिप्लॉय की है 2-3 महीने पहले, तो वहां से भी थोड़ा अपटिक आना शुरू होगा, अफ्रीकन मार्केट्स में इन लोगों ने काफी शुरू किया है, इंडिया में तो इनको ऑर्डर्स मिल ही रहा है, तो कई सारे जो इन्वेस्ट इन लोगों ने अपने इनिशिएटिव्स लिए हैं पिछले 3 से 6 महीने में उसका अपटिक भी अगले साल काफी अच्छा दिखेगा, राइट जो भी एफर्ट कर रहे हैं, आई एम श्योर इसमें एफर्ट जा रहे सबका, सो थैंक्स शिवी भाई, प्रीत भाई, नीलेश भाई and abhi bhai everyone who's helping everyone do the math right, and this I'm sure baki log ko bhi seekhne ko mil raha hai ki sab log data pe kar rahe hai, sab log seekh samajh ke investing kar rahe hai, koi bhi matlab tukkabazi nahi kar raha hai, I don't think tukkabazi karni bhi chahiye, investing ko logically math ke basis pe karenge to kafi zyada smart investing ho jati hai, nahi to of course matlab thoda pointless sa ho jata hai bina data ke investing karna right, to aage ka math kar lete hain, एक बार निर्माण का कर सकते हैं, निर्माण एग्री का कर लेते हैं, निर्माण का सिर्फ निर्माण का हम पैट मैच करें करंट उसके हिसाब से तो आपका 3 × 4 12 का ज्यादा राइट, तो 12 करोड़ का पैट आ सकता है बेसिकली FY24 में, प्लस थोड़ा ग्रोथ मान लो तो 12-13 करोड़ का पैट आ सकता है FY25 में, और मार्च की बात करें तो वही 3.1-3.2 का नंबर आ सकता है, थोड़ा सा अग्रेसिव ग्रोथ आया था दिसंबर क्वार्टर में, थोड़ा कम भी मानू मैं तो मे बी मार्च क्वार्टर में 2.5 करोड़ के आसपास का पैट आ सकता है, और अगर आप अगले साल का देखो तो काफी वही 2.5 × 4 भी किया 10 का पैट आ सकता है बेस्ड ऑन द करंट रन रेट, लेकिन ये हम हर स्टॉक में से इतना सिंपल नहीं कर सकते ना कि करंट मतलब प्रॉफिट अप ट्रेंड के हिसाब से बस मान के देख लिया कितना आ रहा है, नहीं जहाँ पे अप ट्रेंड है वहाँ पे तो कर ही सकते ना क्योंकि वही बेस्ट तरीका है, और अगर ऑब्वियसली कुछ और डेटा है तो हम वो डेटा यूज कर सकते हैं, लेट्स अगर ऑर्डर बुक है हमारे पास या गाइडेंस है तो वो यूज करनी चाहिए, बट जहाँ पे नहीं है जहाँ पे सब डेटा नहीं दे रखा है वहाँ पे तो और कोई तरीका बचता नहीं ना हमारे पास करने के लिए, हाँ बट इस बात की मतलब श्योरिटी कैसे आ सकती है कि हाँ प्रॉफिट अप ट्रेंड अगर अभी तक चल रहा है, श्योरिटी तो किसी चीज की नहीं आ सकती, श्योरिटी नहीं स्टिल कॉन्फिडेंस कैसे आएगा उस चीज पे, थोड़ा सी वही 20 bets लेंगे उसमें से 14 चलेंगे 6 नहीं चलेंगे तो वही होता है इसमें तो मैथ, बट वो जो 14 चलते हैं वो अच्छा चल जाते हैं, तो एटलीस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट है राइट, आइडली तो अगर गाइडेंस दे रखा है तो गाइडेंस यूज करना चाहिए वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें फिर आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, कंपनी ने नंबर दे रखा है आपको थोड़ा बस ट्रेंड से वैलिडेट कर देना कि गाइडेंस मीट भी कर पाएगी कि नहीं कंपनी, अगर गाइडेंस है तो वो बेस्ट है, या फिर अगर एसेट बेस एक्सपेंशन दिख रहा है आपको तो आप उससे थोड़ा गेस कर सकते हो, अगर ये सब नहीं है तो आइडियली प्रॉफिट अप ट्रेंड इनटू 4 ही बेस्ट तरीका बन जाता है, इसी बेस पे पूरी दुनिया कर रही होती है कि इतना मैथ मान लो तो मतलब सब लोग एक गेस तो इसी बेस पे बना रहे होते हैं।
got it. हेलो अदिति जी, जो लेटेस्ट होलिका ऑफर है ना, उसका लिंक आप शेयर कर सकते हैं इस ग्रुप पे ऊपर, मतलब बाकी लोग भी सब्सक्राइब करेंगे शोरूम को। श्योर मैसेज कर देंगे इमीडिएटली आपके प्रोफाइल के ऊपर। ये वेबसाइट है sovereign.com एंड मैं मैसेज बॉक्स में लिख रहा हूं विंडो में, तो एवरीवन कैन सॉर्ट ऑफ गो देयर राइट। जस्ट वन सेक। तो लिख दिया मैंने जो वेबसाइट का नाम है और जो भी हमारा आपका ऐप के एड्रेसेस है, वो दोनों मैंने एज अ मैसेज ऑन दिस स्पेस राइट डाल दिया। ठीक है तो आगे आदित्य भाई एक सवाल था क्विकली। जो टेलर मेड है रिन्यूअल्स, उसके ईपीएफओ डाटा जब मैंने देखा ना, जब आपने ये ट्वीट डाला, आप देख रहे हो डाटा, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट वैसे तो उनके लिंक्डइन भी ठीक है एंड पेटेंट्स भी हैं एंड क्लाइंट्स भी अच्छे हैं, एशियन पेंट्स वगैरह वगैरह, तो आप वो कैसे देखते हो? राइट तो ईपीएफओ की रेगुलेशन थोड़ा समझ लेते हैं। एक तो क्या होता है कि अगर कंपनी के काफी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज है राइट, तो कंपनी उनको ईपीएफ नहीं देगी। अगर आपके परमानेंट एम्प्लॉइज लेट से 20 है और आपके 50 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज है तो, या 100 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज है, तो आपको पीएफ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपके कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय टू एक्चुअल एम्प्लॉय मिक्स पे कि आपका कितना कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज है और कितने आपके वो एम्प्लॉइज है। और एक जितना मुझे पता है, एक रेगुलेशन ये भी होता है कि अगर आपकी पूरी कंपनी वो मेजॉरिटी वोट करेगी और हमें पीएफ नहीं चाहिए, तो भी कंपनी ये चूज कर सकती है हमें पीएफ नहीं देना। तो एक ये भी तरीका होता है कि अगर मेजॉरिटी चूज करे, तो आई डोंट नो क्या कंप्लायंस चल रहा है, क्योंकि काफी ऐसी कंपनीज हैं जो कि बड़ी भी हैं, सेलिकॉर गैजेट्स है, अब सेलिकॉर गैजेट्स के प्रोडक्ट लिस्टेड है, वरुण धवन एम्बेसडर है, बट उसका भी कोई ईपीएफओ रिकॉर्ड नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि यार ईपीएफओ रिकॉर्ड इज नॉट अ, मतलब अगर ईपीएफओ नहीं है का ये मतलब नहीं कंपनी खराब है, इसका ये मतलब डाउट है। तो डाउट को कैसे सॉल्व करना, आई थिंक वो तरीका हमें देखना पड़ेगा। प्रॉब्लम वही है ना कि ईपीएफओ ना होना क्रिएट्स डाउट इन द माइंड, विच आई एग्री। मेरे दिमाग में भी आ रहा है सेलिकॉर का नहीं है, टेलरमेड का नहीं है, कोरे डिजिटल का नहीं है, बट ये सब लोग बोलते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज ज्यादा है, तब वही वो कैसे क्या उसको वैलिडेशन का कोई तरीका नहीं है। मुझे लगता है कि अगर कोई, जैसे मैंने सोचा कि यार गोइंग फॉरवर्ड मैं ऐसे उसी कंपनी में पैसा लगाऊंगा जहाँ पे ईपीएफओ में एम्प्लॉइज हैं, क्योंकि फिर मेरे को क्लैरिटी कि भाई लोग तो बैठे हैं, कंपनी रेगुलेटरी कंप्लायंट है और सब सही चल रहा है। तो ये मेरा अपना स्ट्रैटेजी गोइंग फॉरवर्ड, मैं ईपीएफओ डेटा तो हर कंपनी का देखने वाला हूँ एंड आई विल ओनली पुट बेट्स वेयर आई कैन सी गुड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईपीएफओ डेटा राइट एंड ऑन लिंक्डइन। तो मेरा अपना स्ट्रैटेजी है इसमें, कोई आई डोंट थिंक वी कैन से कि भाई टेलरमेड में कोई दिक्कत है, कि कोरे डिजिटल ने आके यही बोला कि भाई हमारे तो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज है, तो अब हम प्रॉपरली वैलिडेट तो कर नहीं सकते हैं। बट पर्सनली स्पीकिंग मेरा स्ट्रैटेजी ये है कि भाई गोइंग फॉरवर्ड मैं वहीं पैसे लगाऊंगा जहाँ पे ईपीएफओ एम्प्लॉइज है, मैं वहाँ नहीं लगाने वाला जा नहीं है। थैंक यू सो मच। इन लिंक्डइन से भी पता लग जाता है कितने एम्प्लॉइज है? हाँ, लिंक्डइन में पता लग जाता है। तो आप लिंक्डइन में कंपनी पेज सर्च करेंगे, उसके बाद एक इनसाइट्स का टैब आता है, तो आप उस इनसाइट्स के टैब में जाएंगे ना, तो आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द सिस्टम लिख जाएगा कंपनी। तो ये बहुत हैक्स होते हैं। एक अगर आपको ये जानना है कि एक कंपनी का वेबसाइट ट्रैफिक कितना है, तो एक वेबसाइट है सिमिलर वेब पे आप जाएंगे तो आपको कंपनी का वेबसाइट ट्रैफिक बता देगी कि किस कंपनी का वेबसाइट ट्रैफिक कितना है। तो आप जो भी टेक कंपनीज है राइट, जहाँ पे वेबसाइट है, न्यू जैसा हो गया, डॉक मोड हो गया, जो भी टेक कंपनीज है या और भी है, मैकफॉस हो गया, तो आप इन सब का ट्रैफिक सिमिलर वेब से जाकर देख सकते हैं कि ट्रैफिक इसका कैसे मूव कर रहा है। तो उससे आपको ट्रैफिक प्रॉक्सी से आइडिया मिल जाएगा। अब उसमें हर चीज में प्रॉब्लम्स होती हैं कि ट्रैफिक सिक्लिकल सीजनल हो सकता है, कुछ कंपनी में सीजनैलिटी होगी तो आपको ऐसा गिरता हुआ ट्रैफिक दिखेगा बट वो एक्चुअल में गिर नहीं रहा होगा। तो वो सब चक्करबाजी है, प्रॉपर परफेक्ट तरीका कोई है नहीं, बट एटलीस्ट हम एक स्मार्ट, मतलब एटलीस्ट ये पता है कि अगर टेक कंपनी है और उसका ट्रैफिक जीरो है तो ना कंपनी में कोई दिक्कत है, क्योंकि टेक कंपनी का ट्रैफिक जीरो नहीं हो सकता। तो हटाने के लिए काम करता है, चूज करने के लिए इतना हेल्प नहीं करता है कि भाई कुछ को अगर आपको रिजेक्ट करना है तो आप ये सारा डेटा देखकर कर सकते हैं, लिंक्डइन हो गया, ईपीएफ हो गया, इसलिए हम ये देने भी वाले। थैंक यू सो मच। बट उसको इन टर्म्स ऑफ कैसे आप देखना चाहिए अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है टेलर में? हां, मैं ही बोलूंगा, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मेरा जो आगे से गोल है, मैं आई विल नॉट इन्वेस्ट इन अ कंपनी जहां पे ईपीएफ एम्प्लॉइज नहीं है। ठीक है, मेरा अपना वो है कि मैं नहीं लगाऊंगा, मुझे चाहिए क्लैरिटी ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, तो मैं तो नहीं लगाने वाला।
अभी क्या है, कुछ कंपनियां हैं जहां पे नहीं निकलेंगे, उसमें चेक करना मुझे नहीं पता इतना आसान है कि नहीं है। लिंक्डइन अगर है तो आई थिंक थोड़ा सा वैलिडेट हो जाता है, क्या लिंक्डइन पे है और ईपीएफओ में नहीं है तो वो सही, फिर भी जेन्युइन होगा। कुछ नहीं है ना तो और डर लग जाता है, तो आई थिंक जब जहां पे कुछ नहीं है वो रिस्की है, कि जहां पे अगेन पॉइंट हमें ट्रस्ट वर्क करना है कंपनी में, राइट, ट्रस्ट भरोसे चाहिए कंपनी में। तो अगर कोई, अब टेलर मेड के केस में क्या है कि उसको एशियन पेंट से ऑर्डर मिल रहा है तो मुझे उस पर ट्रस्ट आता है कि यार कंपनी फर्जी नहीं होगी, तो एशियन पेंट का नाम इतना ओपनली इस्तेमाल नहीं कर सकती, राइट। तो एशियन पेंट से मुझे ट्रस्ट आ जाता है कि यार ठीक है, ईपीएफओ नहीं भी है तो एशियन पेंट तो है ना, तो कुछ ना कुछ पेटेंट भी है, वो आप पेटेंट की वेबसाइट पर जाकर उसका पेटेंट निकाल सकते हो, तो वहां से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि पेटेंट जेन्युइन है कि नहीं है, राइट। तो आपको ट्रस्ट जनरेटिंग सोर्सेज चाहिए, एक आपको ट्रस्ट जनरेटिंग सोर्स मिल गया तो आपका काम सेट हो जाता है कि कंपनी में कुछ फर्जी बनाने, कंपनी एग्जिस्ट करती है एटलीस्ट, राइट, शेल कंपनी नहीं है। फिर नंबर फर्जिंग करिए कि नहीं, वो तो इंटेंट इशू हो जाता है, वो तो सॉल्वेबल नहीं है, बट वो साल में एक कंपनी दो कंपनी करती है, तो ऑलमोस्ट एटलीस्ट हम काफी सर्टन हो जाते हैं कंपनी में इंटेंट है, कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है, अगर कुछ भी ट्रस्ट इवोकिंग फैक्टर है। तो आप टेलर मेड में मुझे लगता है वही पेटेंट हो गया, पेटेंट ऑफिस की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लो पेटेंट है कि नहीं है, पेटेंट आपको मिल गया तो काम सॉर्टेड, की पेटेंट तो दिख गया। अब केमटेक वॉल्स है, मैं उसकी वेबसाइट, मैं पेटेंट ऑफिस की वेबसाइट पे जाके पेटेंट चेक किया था मैंने कि पेटेंट है कि नहीं है, तो वो पेटेंट ऑफिस से मिल जाएगा। अब न्यूज ऐसा है, किसी को ट्रैफिक चेक करना है, सिमिलर वेब पे जाओ चेक कर लो कि न्यूज ऐसा का ट्रैफिक कितना है, किसी को कोई और कंपनी उसका ईपीएफओ पे जाओ वो चेक कर लो कितने एम्प्लॉइज है, लिंक्डइन पे जाओ देख लो कौन एम्प्लॉइज है। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर ट्रस्ट जनरेट कर देंगे, आई थिंक ये ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसएमई स्पेस में स्पेशली, और स्पेशली जब नेगेटिविटी आती है, तो मैंने रियलाइज की भाई नेगेटिविटी इन सब ट्रस्ट वर्किंग फैक्टर से सॉल्व होगी, तभी हमने उसको सॉल्व में डालना भी चालू कर दिया। अभी ऐसी कुछ कंपनियां निकलेंगी जहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे एक्चुअल डर लगेगा कि भाई ये क्या है, बट अभी क्या है वो डेटा हमारे पास बहुत सारा होगा तो हम स्मार्टली नेविगेट कर पाएंगे, क्योंकि डेटा बहुत, डेटा अवेलेबिलिटी बहुत बेटर हो जाएगी विद टाइम। जो लिंक्डइन वाला जो आप बता रहे हो ना कि वहां पे एम्प्लॉइज ऑथेंटिक हो सकते हैं, तो देयर आर टू थिंग्स, एक तो जो एडमिन लिखता है उसमें दिखता है 50 to 100, उसके लिए भी आपका पेड अकाउंट होता है तब शायद से बेटर दिखता है। दूसरा, कितने लोग लिस्टेड है, कितने लोगों ने लिंक्डइन पे अपना कंपनी पेज अपडेट कर रखा है, उस पे डिपेंड करता है। तो लिंक्डइन टू अ सर्टेन एक्सटेंट फॉर, नॉट फॉर एसएमई, बट मे बी एक थोड़ा लार्ज स्केल जो कंपनी है उसके लिए ठीक है, बट एसएमई जनरली, जैसे केडीएल का आपने जो केस लिया, अब लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग होंगे नहीं, और जो अभी हम जो मार्केट चल रहा है, जैसे इकॉनमी बढ़ रही है, अभी बॉटम वाले लोग ज्यादा हैं किसी भी कंपनी में, तो ईपीएफओ वाला जो डेटा है वो ज्यादा ऑथेंटिक रहेगा, क्योंकि चाहे एक ब्लू कॉलर हो चाहे एक व्हाइट कॉलर हो, उनका ईपीएफओ पे रहता ही रहता है, बट लिंक्डइन पे उनके बारे में कुछ भी नहीं रहेगा। करेक्ट, करेक्ट। तो ज्यादा ऑथेंटिक डेटा ईपीएफओ का है, लिंक्डइन वाला थोड़ा सा एसएमई स्पेस के लिए रेलेवेंट ज्यादा नहीं है। हाँ, वो बोल सी, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप सारा देख लो, राइट, अगर लिंक्डइन पे ईपीएफओ पे नहीं, और एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, तो सेलिकॉर है, सेलिकॉर में आपको लिंक्डइन पे लोग मिलेंगे, ईपीएफओ गायब है, और आपको अमेज़न पे लिस्टिंग मिलेगा और आपको भरोसा मिलेगा, तो ट्रस्ट आ जाता है कि ठीक है एक गायब है बट बाकी सारे। प्रॉब्लम तब है जब चारों गायब है कि कुछ भी नहीं है, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, राइट। तो वो कंपनियां एलिमिनेट हो जाएंगी सारे डेटा से, क्योंकि हम बहुत चेकिंग कर रहे हैं, हम सारा डेटा खोल खोल के देख रहे हैं, हम सिमिलर वेब पे जाके ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कितनी वेबसाइट विजिट करते हैं, तो जब आप इतना सारा देखोगे अगर सब कुछ गायब है तब आपको डर लगेगा, राइट, कि ये कंपनी भी जेन्युइन है कि नहीं है। आई थिंक दैट्स ऑल प्रॉब्लम, कि अभी क्या है, द मोर डेटा वी लुक एट, राइट, द मोर ट्रस्ट वी कैन एक्चुअली बिल्ड ऑन अ कंपनी। अंडरस्टूड। आदित्य भाई, या मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। मैं जनरली क्या करता हूँ, अगर अपन ने कंपनी आइडेंटिफाई किया कि जिसका सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, तो उसका नाम गूगल में डाल के उसके सामने रिव्यू लिखकर अगर आप सर्च करते हो तो एक ग्लास डोर और एम्बिट बॉक्स बोल के वेबसाइट्स है जहाँ एम्प्लॉय रिव्यूज देते हैं कंपनीज का, तो बहुत सी कंपनीज में से प्रॉफिट वगैरह दिखता है लेकिन एम्प्लॉय बोलता है कि भाई सैलरी पेड नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, तो वहाँ पर भी अपन थोड़ा सा असेस कर सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी अर्न कर रही है लेकिन स्टाफ का पेमेंट नहीं दे रही है, तो वो भी एक एडिशनल पॉइंट रह सकता। ऐसे भी चेक कर सकते सर कि सर कंपनी का प्रॉफिट जेन्युइन है या नहीं है, तो एक वैसे भी मैं चेक करता हूँ, तो मुझे बहुत सी दफा ऐसा हुआ कि कंपनी तो अच्छी नहीं लगी लेकिन स्टाफ का, एम्प्लॉइज का रिव्यू निगेटिव है, तो वो कंपनी ने अच्छा नहीं किया आगे चल के। करेक्ट, 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 वो भी रख सकते सर। करेक्ट, हाँ वो भी है, आई थिंक वो भी एक तरीका है कि भाई आप ये देखो कि भाई स्टाफ का क्या व्यू है कंपनी के बारे में। यस राइट, तो और देख लेते हैं और कुछ कंपनी स्टडी कर लेते हैं। हाँ आदित्य, हाँ जी, I wanted to ask one query, जैसे कि revenue guidance आपने बताया कि वो देख के हम PAT calculate कर सकते हैं या देख सकते हैं, right. तो सारी कंपनी क्यों नहीं देती revenue guidance? Is it like, मतलब उनका भी फायदा है ना revenue guidance देने में, कि investor confidence बढ़ जाएगा।
then any reason ki why certain companies give revenue guidance and some companies do not give revenue guidance? बात तो सही है, आई थिंक देना तो सबको चाहिए, हम पता नहीं क्यों नहीं देते, अगर दे देंगे तो हमारा काम काफी, फिर हमें चेक करना होगा ना कि रेवेन्यू गाइड, अब देखो कुछ लोग होंगे जो आके इसमें देखो कुछ और बैठे होंगे जो आके डबल रेवेन्यू गाइडेंस दे देंगे, तो हमें चेक करना पड़ेगा वो सही दे रहा कि नहीं दे रहा, बट आइडली देनी तो सबको चाहिए क्योंकि दे देंगे तो हमारा काम एटलीस्ट एक एंकर नंबर मिल जाता है राइट कि क्या बोल रहा है, फैंटन ने भी रेवेन्यू गाइडेंस दे रखा है राइट, तो जो देगा वो उससे फायदा तो बहुत होता है, आइडली सबको देना चाहिए, बट सी काफी कंपनीज है जो बहुत छोटी है वो उनको ये सब पता ही नहीं है, मतलब आप ऐसे में स्पेस देखे ना ये वो प्रमोटर है, इनमें से कुछ प्रमोटर को तो आते आते भी बेवकूफ बना दिया जाता है, कुछ लोग ऐसे पांच पांच सात सात के पी पे अपना आईपीओ करते हैं और आते ही स्टॉक चार पांच गुना हो जाता है क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी थी, तो स्पेस ना ये बहुत कैपिटल मार्केट सेवी प्रमोटर्स होते नहीं है, इससे इनको बेवकूफ बनाना भी आसान होता है, इनको कैपिटल मार्केट नेविगेट कैसे करना है वो भी आता नहीं है आइडली कोई, और आप ये भी देखिए ना कुछ कंपनी ऐसी होती है जो बहुत ऑर्डर बताती है, कुछ कंपनी होती है बिल्कुल नहीं बताती, तो अगर कंपनी को कोई गाइड करने वाला बैठा है तो वो उसको बता देगा कि भाई आप इन्वेस्टर फ्रेंडली बनो, आप डेटा दो, आप ये करो वो करो, अगर कोई कंपनी उसको पता ही नहीं है और कोई इन्वेस्टर भी नहीं बैठा तो गाइडेंस कभी देगी ना, उसको पता ही नहीं चलेगा ये देना होता है, आइडली सबको देना चाहिए, बट आई थिंक मिस जो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना ऑफ हाउ टू नेविगेट कैपिटल मार्केट्स वो बहुत लोगों में है, आप शार्क टैंक देखो, शार्क टैंक पे आधी डीलें गलत सलत प्राइसेस पे होती है, मतलब मैं देखता हूँ कि अरे प्रमोटर क्या कर रहा है, मतलब इतना अंडर वैल्यू कैसे कर सकते हैं अपनी कंपनी को राइट, बट उनको नहीं पता इंडिया में कैपिटल मार्केट की समझ ही नहीं है, तभी तो लोग हम पूरा मैथ के बेसिस पे अपना इन्वेस्टिंग करते हैं राइट, बहुत लोग नहीं करते, इनफैक्ट मुझे लगता है कि स्पेस में भी 4-5 हज़ार लोग आएंगे वो करेंगे मैथ के बेसिस पे, एटलीस्ट कोशिश करेंगे, इंडिया में 6 करोड़ इन्वेस्टर है, आई डोंट थिंक वो मैथ के बेसिस पे करते हैं, काफी लोग तो ऐसे अंदाजे में कर देते हैं हाँ ये ऊपर जा रहे हैं, कुछ लोग प्राइस देख के कर देंगे, तो कैपिटल मार्केट की समझ नहीं इंडिया में, आई थिंक वही प्रॉब्लम है, वो हर जगह दिखती है, वो कंपनी के पार्ट में भी दिखती है और इन्वेस्टर के पार्ट में भी दिखती है, तभी पंप एंड डंप हो जाता है यहाँ पे। अच्छा एंड वन मोर थिंग रेवेन्यू गाइडेंस, हेलो मैं ऐड कर सकता हूं इसके ऊपर? हां बोलिए। दो चीज हो सकती है, अगर स्टेबल कंपनी है, सपोज बड़ी कंपनी है तो उनका रेवेन्यू आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि स्टेबल कंपनी है तो रेवेन्यू स्टेबल रहता है, लेकिन जो छोटी कंपनी है उसका रेवेन्यू स्टेबल नहीं होता, उसकी वजह से वो एक हिचकता मतलब बताने में वो बताते नहीं इसके लिए। और सेकंड चीज है, अगर किसी ने रेवेन्यू गाइडेंस बताया और वो सीधा सीधा रेवेन्यू गाइडेंस वो स्टॉक प्राइस के साथ लिंक हो जाता है, अगर सपोज किसी कंपनी ने बोला कि 20-25% ग्रो होंगे लेकिन उन्होंने अगर कमिटमेंट जो दिया है अगर उन्होंने फॉलो नहीं किया, सपोज 20% की जगह उन्होंने 15% किया, तो स्टॉक का डी रेटिंग होता है और स्टॉक प्राइस पूरा मतलब डी रेटिंग होके स्टॉक प्राइस पूरा क्रैश हो जाता है, तो इसके लिए इससे अच्छा वो ये बोलते हैं कि रेवेन्यू गाइडेंस नहीं देंगे, इससे अच्छा हम सिर्फ ऑर्डर देंगे नहीं तो कुछ भी नहीं बताएंगे, ये भी एक हो सकता है माइंडसेट प्रमोटर का। हाँ हो सकता है, सी एक तो ये भी ना काफी बारी प्रमोटर को खुद को नहीं पता होता, अब आप मेरे से पूछो मेरी कंपनी का अगले साल कितना रेवेन्यू होगा, मैं एक्चुअली नहीं बता सकता प्रॉपर्ली, तो ये भी हो सकता है कि यार कोई हर बंदा प्रॉपर्ली नहीं बता सकता राइट, क्योंकि हमारा कंपनी भी अभी मतलब वी स्टार्टेड मतलब दिस इज आवर सेकंड ईयर राइट, अभी ग्रोइंग स्टेज में रहेगा तो स्टार्टिंग फेज में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, एक तो ऐसे ही हो सकता है इतना ग्रोथ आएगा वो स्टैग्नेंट ग्रोथ भी आ सकता है, नहीं अगर आपने सडनली कुछ अच्छा किया मार्केटिंग अच्छी की, सपोज सडनली कुछ न्यू इंट्रोड्यूस किया तो आपका एक्सपोनेंशियल रिजल्ट भी आ सकता है, तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। Exactly. और इससे भी वही दिखता है कि उनके कभी कभी कुछ कुछ स्टॉक है उनका सीधा रेवेन्यू 3x होता है, 4x होता है, कभी कभी 500% भी हो सकता है, वो डिपेंड अपॉन उनका स्ट्रेटेजी। अच्छा उसमें एक चीज मतलब जस्ट आस्किंग, जैसे कि आदित्य आपने अगर एक ईमेल डाला किसी कंपनी को एसएमई के इसके कि हमारा एक ऐसे में ये ऐसा ऐसा वेबसाइट है और आपका रेवेन्यू गाइडेंस ऑर्डर बुक जो भी हम दे सकते तो तब भी नहीं देते क्या वो, मतलब ऐसा मतलब उनको लगेगा हाँ यार नहीं नहीं वो तो फिर सी रेवेन्यू गाइडेंस एक मटेरियल पब्लिक डेटा होता है तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि एक इन्वेस्टर को जो दूसरे को ना दे, या तो उनको पूरे मार्केट को बताना पड़ेगा या वो किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर वो एक इन्वेस्टर को दे रहे और एक को नहीं दे रहे तो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री होगी ना, और ये तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, तो सेबी का जो वो रहता है कि ऑल इन्वेस्टर्स शुड हैव द सेम इन्फॉर्मेशन राइट, तभी दे आर ऑन द सेम फुटिंग, अगर आप एक इन्वेस्टर को बता दो रेवेन्यू गाइडेंस कितना है और 1000 को ना बताओ तो उसे एक को फायदा हो गया ना, right, तो right. वो अलाउड नहीं होता, ईमेल भी करोगे रिप्लाई आएगा कि हम नहीं देंगे, देने तो मार्केट को देना है नहीं तो किसी को नहीं देना है। अच्छा आदित्य जी आप और एक रामा विजन रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू सॉरी रामा विजन रिव्यू कर सकते हैं आप, मतलब ये देख लेते हैं
मुझे बस एक क्वेश्चन पूछना था कि रेवेन्यू गाइडेंस जो कंपनी देती है, सो हाउ टू मेक श्योर कि मतलब उसमें कुछ ऐसा होता है कि आप बड़ा चढ़ा के भी बोल सकती है कंपनी? बोल सकती है, बिल्कुल बोल सकती है. अगर आप देखो राइट, काफी कंपनियां रेवेन्यू गाइडेंस मिस भी करती हैं, राइट, एंड काफी फेमस कंपनियां रेवेन्यू गाइडेंस मिस भी करती हैं. जेंसोल ने अपना रेवेन्यू गाइडेंस मिस किया था, राइट. तो कभी काफी बार ऐसा हो सकता है प्रमोटर ओवर अग्रेसिव है और बहुत अग्रेसिव रेवेन्यू गाइडेंस दे रहे हैं. तो हमारा काम ये समझना है कि भाई जो वो दे रहे हैं वो एक्चुअल में अचीवेबल है भी कि नहीं, राइट. तो कंपनी तो देखिए, कुछ कंपनी होती है जो अंडर कमिट करेंगी, ओवर डिलीवर करेंगी, राइट. उनके केस में क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव सरप्राइजेस मिलते हैं, उनके स्टॉक एकदम से भागते हैं. कुछ होते हैं जो ओवर अग्रेसिव, मतलब जो अग्रेसिव प्रमोटर्स हैं, जो अग्रेसिव टारगेट दे सकते हैं. तो वो ये हमारा काम है, रेवेन्यू गाइडेंस मिलना सही बात होती है, बट वो सही भी है कि नहीं वो हमें चेक करना है ना. अभी आप देखो, हम इंटू फोर करके प्रॉफिट अपडेट निकाल रहे हैं, राइट, और मैथ निकाल रहे हैं. लेट से हमने किसी कंपनी का टारगेट निकाला कि यार हमने इंटू फोर क्या मोमेंटम देखा और आपका 15 करोड़ का पैट आता है, बट वही कंपनी 30 करोड़ पैट का गाइडेंस दे रही है. तो हम बोलेंगे ना यार, तुम्हारा रेवेन्यू रन रेट इतना है नहीं या प्रॉफिट रन रेट इतना है नहीं, और जो तुम गाइडेंस दे रहे हो वो तो बहुत ऊपर है, राइट. तो वो फिर गलत हो जाता है. तो हमारा काम है चेक करना जहाँ पे भी गाइडेंस मिलती है कि सही गाइडेंस मिलेगी, गलत गाइडेंस मिलेगी. अच्छा, थैंक यू. हाँ, कि गाइडेंस ना जरूरी नहीं है कि गाइडेंस आपको वो स्क्रीनर पे ही मिलेगी या बीएससी पे ही मिलेगी. कई बार आप प्रमोटर्स वगैरह का या किसी एमडी का या किसी का जो उनकी एग्जेक्टिव लीडरशिप है उनका कोई इंटरव्यू देख रहे हो, कई बार उसमें भी कई हिंट्स मिल जाते हैं हमें. फॉर एग्जांपल अभी ये जो तत्वम करके हुई थी ना अभी अहमदाबाद में, इसकी काफ़ी इन्वेस्टर्स वगैरह आए थे वहाँ पे, कोडी टेलर मेड और दो चार कंपनियाँ और आई थी. तो वहाँ पे इफ़ यू सी देयर वीडियोस जो विच आर अवेलेबल ऑन द बीएससी नाउ, उन्होंने पब्लिश किया इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, तो इफ़ यू सी देम स्पीकिंग, उन्होंने ही हैज़ क्लियरली मेंशनड कि कई कंपनियों में ब्रेक थ्रू ऑलमोस्ट 99% वाली स्टेज पर पहुँच चुका है. And he has, I will not reveal the number, but if you go through that video, you will see he has given a very good, very big number in terms of upcoming revenue in 1 to 2 years. So जरूरी नहीं है कि वो है ना वो एक presentation में number reveal करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी unknowns है ना. For example, ये अपना Asian Paint है, Asian Paint में उन्होंने trial तो कर लिया जो 2.5 crore का order था, बट उसके बाद अब वो ऑर्डर फाइनली एशियन पेंट कब देगी, उसको 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, कब लगेगा, बट एज ए प्रमोटर, एज ए रिस्पॉन्सिबल प्रमोटर वो नहीं बता सकते ना कि हमें ये 200 करोड़ का आएगा या 100 करोड़ का आएगा. जब आएगा तभी आएगा वो. तो बट उनकी बातों में समझ आ जाती है. जैसे उन्होंने पेटेंट डाला है अभी उसका एथेनॉल का, शुगर का, उससे पहले उन्होंने PRL का ऑलरेडी लिया हुआ है. अभी वो हॉस्पिटल का जो वेस्ट होता है पानी, उसको उसके लिए ट्रीटमेंट की उन्होंने बताया उसमें प्रेजेंटेशन में कि दे आर गोइंग टू फाइल ए पेटेंट फॉर दैट ऑल्सो. तो अभी आप देखोगे ना कंपनी ऐसी स्टेज में है जहाँ पे दे आर ट्राइंग टू कवर ऑल देयर बेसिस, क्योंकि छोटी कंपनी है, उनको रिस्क नहीं लेना, तो वो जितनी भी उनकी नई टेक्नोलॉजी है वो सारी पेटेंट करवा रही है. तो जैसे ही वो पेटेंट्स वगैरह हो जाएंगे और जैसे ही वो एक नेक्स्ट स्टेज ग्रोथ की आएगी, जब जो कस्टमर्स हैं उनको भी पता कि यार इसका पेटेंट हो गया, नाउ आई कैन गिव हिम ए बिग ऑर्डर आल्सो. तो ये भी छोटी छोटी चीजें आई थिंक एज ए इन्वेस्टर्स वी शुड पिक अप. खाली स्क्रीनर या उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए. और बार बार प्रमोटर का अगर कोई इंटरव्यू आता है ना, बार बार हमें 4 से 5 बार सुनना चाहिए. छोटी छोटी चीज़ों से पता चल जाता है प्रमोटर की बॉडी लैंग्वेज से कैसे बात कर रहा है, क्या बातें बता रहा है. फॉर एग्जाम्पल इवन फॉर टेलर मेड दे हैव शिफ्टेड टू ए, जैसे EPFO वाला पॉइंट कह रहे थे ना, दे हैव शिफ्टेड टू ए न्यू ऑफिस ऑन February 14th, जो 4 गुना बड़ा है, 16,000 स्क्वेयर फिट का ऑफिस है. तो उसमें जो नए बंदे हायर हो रहे हैं ना, वो आपको अभी EPFO में नहीं दिखेंगे, वो आपको बाद में दिखेंगे जब उनकी हायरिंग कम्प्लीट हो जाती है. और उसमें भी EPFO अपडेट करने में भी 3-4 महीने आराम से निकल जाते हैं, प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड काम बहुत रहता है. प्लांट लगाना है, जैसे अभी इन्होंने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है इसका
अब ये यहाँ से लेबर थोड़ी लेके जाएंगे सऊदी में, राइट? तो वो वहीं से ही उसको लेबर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वहीं पे एग्जीक्यूट करके उनका जो सुपरवाइजर होगा एक दो वो जाएंगे, वो आ जाएंगे वापस। तो इस तरह का नेचर ऑफ वर्क में आपको ज़्यादा उसमें एम्प्लॉयज नहीं देखेंगे। जस्ट वॉन्टेड टू एट दिस पॉइंट। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन आदित्य ये है कि पहली बात तो आई वॉन्टेड टू अप्रिशिएट, बहुत ही बढ़िया सेशन है जो आप ये क्वांटिटेटिव वे में करा रहे हैं। इसमें मेरा एक फंडामेंटल क्वेश्चन था कि हम अभी जो भी कैलकुलेशन, बिकॉज हम पीए के थ्रू कर रहे हैं तो पैट देख रहे हैं, बट बहुत टाइम होता है पैट एक्यूरेट नहीं होता, बिकॉज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसमें बहुत सारे। तो ऐसी सिचुएशन में इज इट राइट टू ओनली जस्ट लुक एट पैट एंड बेस आवर डिसीजंस ऑन दैट? दैट वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन। राइट राइट। तो स्टॉक मार्केट पैट पे चलता है, मतलब स्टॉक मार्केट जो करता है, राइट? आप पूरा स्टॉक मार्केट पैट पे चलता है। स्टॉक मार्केट क्या करेगा कि एक्सपेक्टेड पैट जो आने वाला है उसको एक एक्सपेक्टेड पी से मल्टीप्लाई करेगा और उस मार्केट कैप पे ले जाके कंपनी को छोड़ देगा, या फिर वो उसकी फेयर वैल्यू मानी जाती है, इवेंचुअली वहां पे पहुंच जाती है। इवेंचुअली स्टॉक मार्केट पूरा पैट पे चलता है। जो पैट को परफेक्टली प्रेडिक्ट कर पाता है, आई थिंक वो बंदा बहुत अच्छी इन्वेस्टिंग करता है। सारा गेम पैट प्रेडिक्शन का है। और सब आरओसी जो देखते हैं ना, जैसे जब हम पढ़ते हैं कि भाई कंपनी का रिटर्न ऑन यू नो इक्विटी कैसा आ रहा है या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा आ रहा है, बिकॉज वो एबिट के ऊपर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे है, तो वो भी एक अच्छा तरीका नहीं है देखने का? उससे पी डिटरमाइन होता है। मैं आपको बता दूं इन्वेस्टिंग क्या है सिंपल भाषा में। प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्रॉफिट गिरेगा तो प्राइस गिरेगा। दिस इज इन्वेस्टिंग, ठीक है? अगर आपकी कंपनी है जिसका पैट लेट से आज है 100 करोड़ का और अगले साल उसका 200 का आने वाला है, तो प्राइस डबल हो जाएगा, अज्यूमिंग पी रेटिंग नहीं होती है। ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी का रोई रोसी बहुत अच्छा है, जिसका मतलब होता है वो स्केलेबल धंधा है, राइट? रोई रोसी अच्छा है मतलब गूगल एक स्केलेबल धंधा है, राइट? कि बहुत ही ज्यादा इजीली ग्रो कर जाता है। तो कुछ होते हैं स्केलेबल धंधे होते हैं जिनको हाई पी मिलता है। तो अगर आप देखेंगे इंडिया में अभी डिफेंस को बहुत हाई पी मिलता है, जो टेक प्लेटफॉर्म है, कोई भी टेक प्लेटफॉर्म जो इंडिया में लिस्टेड है उन सबको हाई पी मिलते हैं। तो जो रोई रोसी होते हैं वो पी बताते हैं कि हाई पी मिलना चाहिए कि लो पी मिलना चाहिए। अब लॉजिकली हम देखें तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और एक टेक कंपनी को कंपेयर करें तो टेक कंपनी को हाई पी मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लो पी मिलेगा, राइट? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इतना इजीली स्केलेबल नहीं है, टेक बहुत इजीली स्केलेबल है, राइट? दैट इज व्हाई टेक गेट्स हाई पी, मैन्युफैक्चरिंग इज स्केलेबिलिटी और इज इट ग्रोथ, बिकॉज़ अ टेक कंपनी विल यूजुअली बी अ हाई ग्रोथ कंपनी, व्हेयरएज मैन्युफैक्चरिंग विल बी प्रोबब्ली अ मीडियोकर ग्रोथ कंपनी। सो स्केल दोनों कर सकते हैं, मतलब उनका धंधा दोनों का काफी बड़ा हो सकता है, बट ग्रोथ रेट्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट रैपिड स्केलिंग नहीं होगा ना। रैपिड स्केलिंग नहीं होगा ना, सी टेक प्लेटफॉर्म में रैपिड स्केलिंग होती है। Exactly. तो उस चक्कर में पी हाई मिलता है, मतलब पीज बेसिकली कि एक टेक प्लेटफॉर्म एक साल में 10 गुना हो सकता है, बट एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक साल में 10 गुना नहीं। Exactly my point, क्योंकि टेक प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं होते, राइट? इसलिए उनको हाई पी मिलता है। करेक्ट। अल्टीमेटली गेम प्रॉफिट का है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। जो पी का मल्टीपल मिलता है वो बिजनेस स्केलेबिलिटी या बिजनेस ग्रोथ पर डिपेंड करता है। अगर एक लो स्केलेबल, अगर एक कम स्केलेबल बिजनेस है, अगर आप एक ऑयल बिजनेस की बात करें या एक मतलब पेट्रोकेमिकल बिजनेस की बात करें तो उसको 10-15 का पी मिलेगा। वही अगर आप एक टेक प्लेटफॉर्म की बात करें उसको 100 का भी पी मिल सकता है। तो मल्टीपल हमेशा आपका बिजनेस टाइप बताएगा, तभी वीसी मल्टीपल्स भी हाई होते हैं, राइट? वीसी सारे टेक प्लेटफॉर्म्स को फंड करते हैं तो वीसी मल्टीपल्स हाई होते हैं, क्योंकि वो उनके ग्रोथ रेट्स हाई होते हैं, राइट? तो अगर आप इवन इंडियन स्टॉक मार्केट में देखें, एनपीएस की एक लिस्टेड कंपनी है, वो एक टेक फिनटेक है, लिस्टेड फिनटेक है, उसको 100 का पी मिलता है। रेडियन टेक्नोलॉजीज एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो भी फिनटेक, वो ट्रैवल टेक है, उसको अराउंड 70-75 का पी मिलता है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में सारे टेक प्लेटफॉर्म्स को 50-100 के बीच का पी मिलता है। वही अगर मैन्युफैक्चरिंग धंधे देखें तो उनको 30-60 का पी मिलता है। तो मैन्युफैक्चरिंग हैव क्लियरली लोअर पी देन टेक प्लेटफॉर्म्स, विच हैव अ फार सुपीरियर पी। बट इन दी एंड पैट, सारा पैट आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। पैट प्रेडिक्शन अच्छा होगा तो आप उससे अपना पूरा वो कर सकते हो। और पी का रेंज अगर आप सॉवरेन में देखें, राइट, हम हर सेक्टर का पी रेंज दे देते हैं कि भाई किसका लोअर पी है, किसका हायर पी है। तो आप मीडियम पी पकड़ो कि मिडिल पी इतना है, उसका अपने पैट एस्टिमेट से मल्टीप्लाई करो और आपके पास एक पैट का, आपके पास एक मार्केट कैप का गैस आ जाता है, एक साल बाद कितना रहेगा, उसके बेसिस पे आप पूरा डिसीजन ले सकते हो। राइट राइट, मेक सेंस। एक कनेक्टेड क्वेश्चन है इससे कि क्योंकि हम सॉवरेन पे आप आईपीओज जो आने वाले हैं अपकमिंग उनके बारे में भी लिखते हैं, तो वन ऑफ द थिंग्स आई नोटिस, लाइक देयर इज वन आईपीओ जिसका जो अगले हफ्ते वैसे वो आईपीओ की वो आएगा, इशू खुलेगा,
क्रिएटिव ग्राफिक्स करके, पर उसका डीआरएसपी जब हमने देखा तो उनका पैट मार्जिन बढ़ रहा है काफी, ऑलमोस्ट 50% से बढ़ रहा है एवरी ईयर. तो इस टाइप के अगर आईपीओज आ रहे हैं तो इन कंपनीज को कैसे इवेल्यूएट कर, बिकॉज ये तो अभी दे आर नॉट लिस्टेड, तो उनका हमारे को मार्केट कैप तो पता नहीं है, पर पैट बढ़ रहा है, ओवरऑल प्रॉब्ली एसेट एक्सपेंशन भी हो रहा है, तो इज देयर समथिंग दैट यू वांट टू स्पीक देयर एज वेल? सी, इसमें एक तो आपको जीएमपी से आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट इसको कैसे व्यू करता है. अगर जीएमपी हाई है तो इसमें मार्केट इंटरेस्ट है बिजनेस में, राइट? और स्टॉक मार्केट ना बहुत स्टिंजी होता है, मतलब वेंचर कैपिटल स्पेस काफी जनरस होता है, वो बहुत हाई वैल्यूएशन देता है, बट स्टॉक मार्केट बहुत ही स्टिंजी होता है. स्टॉक मार्केट एसएमई को तो नहीं देता पीए अच्छे. तो अगर आप इवन अगर आप हाई प्रॉफिट ग्रोथ हो, आपको थोड़ा लंबे समय तक प्रूव करना पड़ेगा कि आप हाई ग्रोथ हो, तब जाके आपको 100 का मल्टीपल मिलेगा. अगर आप जस्ट लिस्ट हो रहे हो तो 30-40 से ज्यादा किसी को भी नहीं मिलता है. तो आप कोई भी कुछ भी ले लो, बेस्ट से बेस्ट धंधा ले लो, उसको भी 30-40 का ही देंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट वाले बहुत ही स्टिंजी है. यहाँ पे लोग को डर लगता है, लोग बेच के भाग जाते हैं. तो वही होता है कि यहाँ पे मल्टीपल हमेशा लो मिलेंगे, फिर आप ग्रोथ दिखाते रहो दिखाते रहो दिखाते रहो, आप प्रूफ कर दो मार्केट को कि यार हम तो बहुत ही स्टेबल बिजनेस है, फिर आपका मल्टीपल रीरेट होकर 30 से सीधा 100 पहुंच जाएगा अगर आप एक टेक प्लेटफॉर्म हो. तो वही स्टार्टिंग में तो आप ये मान लो कि 30 से 40 के बीच में करेगा अगर अच्छा बिजनेस है, और वही आपको जीएमपी में भी दिख जाएगा कि जीएमपी आपको इस तरीके का बैठेगा कि वो 30 से 40 के मल्टीपल के बीच में लैंड कराऊंगा जो बिजनेस है आपका आफ्टर सॉर्ट ऑफ. और आप सॉवरेन पे सारे एसएमई आईपीओ के बारे में नहीं बात करते क्या? सारे सीमी आईपीओ के बारे में करते हैं, अनलेस कोई मिस हो गया तो हो गया, बट सारे सीमी आईपीओ करते हैं. ओके ओके, गॉट इट, थैंक यू सो मच, दिस वाज वेरी हेल्पफुल, थैंक यू. दीपक जी, आप रामा विजन के ऊपर पैट एस्टीमेट कर सकते हैं? हाँ, वो इनटू फोर ही कर लेते हैं, ऐसे रामा विजन में भी प्रॉफिट अप ट्रेंड है, राइट? तो प्रॉफिट अप ट्रेंड है तो आप, और उनका प्रेफरेंशियल इशू का प्राइस बता सकते हैं आप? उनका प्रेफरेंशियल इशू 6 महीने पहले हुआ है कुछ शायद. हाँ, तो उनका पैट एस्टिमेट है लास्ट क्वार्टर 1 करोड़ का पैट किया था, तो 1-4 किया तो 4 करोड़ का पैट आ सकता है अगले साल. FY25 का पैट एस्टिमेट 4 करोड़ है और प्रॉपर प्रॉफिट अप ट्रेंड है. अगर आप देखें 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ तो प्रॉपर प्रॉफिट अप ट्रेंड है. और अगर हम उसमें प्रेफरेंशियल इशू का वो देखें, राइट, जो प्राइस है तो वो भी बच, तो नेक्स्ट ईयर का पी 24 फॉरवर्ड पी रहेगा 19, फॉरवर्ड पी रहेगा 40, हां 19, करेक्ट, बस 19 पॉइंट समथिंग, 19.5, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. और अगर हम वो देखें जो आपका प्रेफरेंशियल वारंट है, तो आपका 1.7 करोड़ मिला था इसको, बेसिकली 2.3 करोड़ इन्होंने आई थिंक एग्रीगेटिंग टू 2.3 करोड़ था, 2.3 करोड़ और टोटल 56 रुपए का प्राइस था, 56 रुपए के प्राइस में प्रेफरेंशियल किया है. तो अभी चल रहा है आपका 73 रुपए का प्राइस, 56 के प्राइस में प्रेफरेंशियल हुआ. और एक कन्वर्टर वारंट भी है, मैंने बल्क ट्रेड पे देखा है, सतीश जैन मोदी का. हाँ, वारंट इश्यू भी हुआ है 3.83% का, वो भी कितने प्राइस पे वो ये डिस्क्लोज करते हो? और अभी जो कुछ कुछ शेयर से जो प्रिपरेशनल इश्यू जो हुआ है उसके नीचे ट्रेड करे, लाइक जेटेल इंडस्ट्रीज और मल्टीपल है, तो आप उसके ऊपर कैसा है? आजकल एक और प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्योंकि मार्केट थोड़ी वीक हो गई है, राइट, और ये लोग को आई थिंक हमें सबको ध्यान में रखना चाहिए. अगर आप देखेंगे एक कंपनी है प्रीतिका इंजीनियरिंग ऑटो कंपोनेंट्स, उसके साथ दो चीजें बुरी हुई एक साथ. उनके जो चेयरमैन है ही एक्सपायर्ड, जो मेन प्रमोटर थे ही एक्सपायर्ड, और ऑब्वियसली वो भी रीजन हुआ, और क्योंकि प्राइस भी काफी नीचे आ गया तो उनका प्रेस कैंसिल हो गया. आज एक न्यूज आएगी पार्टी क्रूजर, उसका भी प्रेस कैंसिल हुआ. तो प्रॉब्लम क्या है, जब ये प्राइसेस नीचे जा रहे हैं ना प्रेस प्राइसेस के, तो इन्वेस्टर रीनेगोशिएट करेंगे कि यार हमें तो महंगे में दे दिया और प्राइस तो नीचे आ गया, तो कुछ जगह कैंसिलेशन भी होंगे. तो ये भी ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि भाई इन्वेस्टर रीनेगोशिएट करेगा और कैंसिल कराने का कोशिश कर रहा है, प्राइस कम करवाने का कोशिश कर रहा है. तो इससे भी केयरफुल रहना पड़ेगा. दो कंपनी ऑलरेडी इसके विक्टिम बन चुकी है, प्रीतिका इंजीनियरिंग ऑटो कंपोनेंट और आपका रेडगेन और आपका सॉरी वो पार्टी क्रूजर, जहाँ पे ये कैंसिल हुआ है. मेजॉरिटी केसेस में ज्यादा नीचे नहीं गया है, बट जहाँ बहुत नीचे जा रहे हैं ना वहाँ पे ये खतरा भी हो जाता है कि भाई वो सी इन्वेस्टर अगर 5-10% ऊपर नीचे गया तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, बट अगर सीधा 30% नीचे चला गया, तो जैसे प्रीतिका में हुआ था कि 75 का सीधा 46 पहुंच गया, तो इन्वेस्टर बोलेंगे ना यार हमें महंगे में क्यों दे रहा है. तो आई थिंक वही चक्कर वाली बात है कि बहुत डीप डिस्काउंटिंग में ये भी दिक्कत हो जाती है कि यार प्रेस कैंसिल ना हो जाए, तो इसका भी हमें थोड़ा वो देखना पड़ेगा कि प्रेस कैंसिल तो नहीं हो जाएगा.
और प्रिफरेंशियल इश्यू में आपने शायद एवीजी लॉजिस्टिक में आपने किया है, तो उसमें आप फ्रंट एंड में सिर्फ 20% देते हैं और एक साल के बाद बाकी का पैसा देते हैं क्या? मतलब प्रिफरेंशियल इश्यू और वारंट इश्यू का थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा? प्रिफरेंशियल इश्यू में कैसा क्रेडिट होता है पैसा, और प्रिफरेंशियल इश्यू और वारंट में डिफरेंस क्या है, थोड़ा बता सकते हैं आप? थोड़ा मैं आपको पूरा बता देता हूँ, तो मैं वो प्रोसेस में बता देता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे होता है। डिफरेंस भी बताइए, जब वारंट और प्रिफरेंशियल इशू में डिफरेंस भी बताइए। तो वारंट, पहले वारंट इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल वारंट एंड इक्विटी इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल इक्विटी, ठीक है? तो प्रेफरेंशियल वारंट अलग है, प्रेफरेंशियल इक्विटी अलग है, ठीक है? प्रेफरेंशियल इक्विटी में और प्रेफरेंशियल वारंट में क्या होता है, जैसे जो मैंने एवीजी में लिया था, मैंने 370 रुपए में वारंट लिया है, राइट? और वो 20 लाख रुपए की वैल्यू थी, तो मेरे को 5 लाख रुपए अपफ्रंट देने पड़े जो कि मैंने कंपनी को दे दिए। अभी अगले 15 लाख उन्होंने हमसे मांगे नहीं है किसी से भी, ठीक है? और वो लोगों से अब क्या, कुछ लोग बोलेंगे कि यार हम आपको देना चाहते हैं, कुछ लोग खुद से ही दे देंगे, कुछ लोग बोलेंगे ठीक है आप मांगो फिर हम देंगे। तो 5 लाख सबको सेम टाइम पे देना, 25% सबको सेम टाइम पे देना पड़ा, जो भी टोटल वारंट का अमाउंट था, राइट, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, उसके 25% कंपनी को डे वन पे ही मिल गया था, क्योंकि हम सबने 25% दे दिया। बाकी जो 75% है, लोग धीरे धीरे करके अलॉट करवा सकते हैं खुद को। जैसे हो सकता है एक इन्वेस्टर बोले यार मेरे को आज ही दे दो, तो उसको आज ही मिल जाएगा और वो पैसा दे देगा। कोई दूसरे इन्वेस्टर बोले मेरे को एक साल बाद चाहिए, तो मैं तब करूंगा, राइट? तो जैसे मैं अभी अलॉट खुद को नहीं करवाना चाहता, हो सकता है कोई और खुद को करवाना चाहे। इसलिए आपको ये दिखेगा कि जो प्रेफरेंशियल होता है ना, वो सेकंड जो ट्रांच आता है वारंट का, वो थोड़ा टाइम, मतलब कोई एक इन्वेस्टर पहले करवा रहा है, कोई एक इन्वेस्टर बाद में करवा रहा है, तो उसमें टाइमिंग का थोड़ा गेम हो सकता है। बट 1.5 साल के अंदर सबको पैसा देना पड़ेगा, तो विद इन द नेक्स्ट 1.5 ईयर्स हर बंदे को देना पड़ेगा जो भी शेयर लेना चाहता है। तो 25% पहले दिन और 1.5 साल के अंदर सबको देना पड़ेगा। सब धीरे धीरे करके दे देंगे, इवेंचुअली 1.5 साल के अंदर सबका पैसा चला जाएगा कंपनी के पास। तो इस तरीके से चलता है आपका प्रेफरेंशियल वारंट। प्रेफरेंशियल इक्विटी में क्या होता है, डे वन पे सारा पैसा देना पड़ता है, ये पहला दिन हुआ आपको सारा पैसा देना पड़ गया। तो वो था प्रेफरेंशियल इक्विटी की, डे वन पे सारा पैसा। उसमें लॉकिंग कुछ नहीं रहता दोनों में, कि दोनों में लॉकिंग होता है, दोनों में 6 महीने, 6 महीने का, उसके बाद पूरा बेच सकते हैं आप। हाँ, 6 महीने के बाद पूरा बेच सकते हो। तो अगर आप देखेंगे टेलर मेड में 2-3 प्रेफरेंशियल हुए हैं, एक 40 रुपए पे, एक 200 रुपए पे, और एक 560, एक 500 रुपए पे। तो जो 200 रुपए वाला प्रेफरेंशियल है, उसका लॉकिन भी अभी खुल गया था, जब उसका अलॉटमेंट हुआ तो उसका लॉकिन भी खुल गया था, इस चक्कर में भी सेलिंग प्रेशर आया होगा। तो जब भी प्रेफरेंशियल के लॉकिन खुलते हैं, एक सेलिंग प्रेशर आती है हमेशा स्टॉक में, कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। इसीलिए आपको, आपने एक और चीज देखी होगी कि जो SME IPOs होते हैं, राइट, 1 महीने बाद ये सारे नीचे जाते हैं, क्योंकि एंकर होता है वो सेलिंग कर रहा होता है, तो एंकर सेलिंग से ये लोग नीचे जाने की कोशिश करते हैं आफ्टर 1 मंथ। और वो भी सेबी को एक ये भी प्रॉब्लम है कि एंकर ना बहुत सेलिंग कर रहे हैं आजकल, तो लोग क्या कर रहे हैं कि लोग स्टॉक लेते हैं एंकर में, 1 महीने बाद बेच देते हैं, फिर नया स्टॉक लेते हैं, फिर बेच देते हैं, फिर नया स्टॉक लेते हैं, फिर बेच देते हैं। तो ये भी लोग को, इससे क्या हो रहा है, प्रमोटर्स भी दुखी है कि स्टॉक के प्राइसेस भी टूट रहे हैं। तो जो सेलिंग आती है ना, प्रेफरेंशियल के एंड होने पर सेलिंग आती है और एंकर के एंड होने पर भी सेलिंग आती है, तो इसको भी लोग को समझ आना चाहिए। काफी बारी एक रैंडम सेलिंग देखने को मिल जाती है, वो इस वजह से देखने को मिलती है, इन चीजों की वजह से। प्रेफरेंशियल कितने डिस्काउंट पे मिलता है? प्रेफरेंशियल का एक गाइडलाइन होती है कि वो आई थिंक पिछले 15 दिन का प्राइस लेते हैं, उस पर कुछ लगाते हैं, ज्यादा डिस्काउंटिंग नहीं होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि मतलब जैसी प्रेफरेंशियल अनाउंसमेंट होती है, स्टॉक भाग जाता है। तो आइडियली प्रेफरेंशियल ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे मिलता है, बट प्रेफरेंशियल अनाउंस होते ही स्टॉक प्राइस भाग जाता है। तो टिपिकली स्पीकिंग, अगर जैसे मैकफॉस है, राइट, वो 430 पे मिला, बट प्रेफरेंस वो कभी रिएक्ट नहीं कर पाया क्योंकि मार्केट कंडीशन खराब थी। तो ज्यादा डिस्काउंटिंग नहीं होती है, बट प्रेफरेंशियल अनाउंस होते ही स्टॉक प्राइस ऊपर भागने की कोशिश करते हैं, नहीं तो करंट मार्केट प्राइस पे। और प्रेफरेंशियल करंट शेयर होल्डर होने चाहिए तभी मिलता है, या कोई भी अप्लाई कर सकता है? नहीं, वो कनेक्ट्स पे होता है कि अगर आप किसी को जानते हैं जो प्रेफरेंशियल करवा रहा है, तो आपको भी दिलवा सकता है। तो बट काफी केसेस में क्या होता है कि प्रेफरेंशियल में एक लॉक इन होता है, एक मिनिमम अमाउंट भी होता है, तो कि भाई 25 लाख से कम नहीं लग सकता प्रेफरेंशियल में, 50 लाख, 1 करोड़ से कम नहीं लग सकता। तो ये हर के अमाउंट भी होता है और एक लॉक इन भी होता है। काफी बारी लोग क्या करते हैं कि यार लेट से प्रेफरेंशियल आया, लेट से 400 रुपए पे, राइट, तो लोग 400-440 रुपए में मार्केट से खरीदेंगे अगर मार्केट प्राइस होता है, उसमें कोई लॉक इन का झंझट नहीं होता है। तो वो ये कुछ लोग जिसको प्रेफरेंशियल में टिपिकली वो पार्ट लेता है जो मार्केट से स्टॉक को खरीद नहीं सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में। अब कोई 50 करोड़ का स्टॉक खरीदने मार्केट में जाएगा तो स्टॉक प्राइस आसमान छू जाएगा, राइट? तो इसलिए वो लोग प्रेफरेंशियल राउट भी लेना पसंद करते हैं कि प्रेफरेंशियल के थ्रू पैसा ले लेते हैं, एटीसी में स्टॉक आसानी से मिल जाएगा। ओके, थैंक्स सर। एम आई ऑडिबल? या प्लीज वेट। हाँ, तो सर वो जो ईपीएफओ वाला कल ये सब लोग बोल रहे थे, तो ये कल जो कोरे डिजिटल का जो कॉन कॉल हुआ था, तो ये मैंने उनके प्रमोटर को ये क्वेश्चन किया था कि सर ये आपका बिजनेस मॉडल क्या है, वो आप समझाओगे तो अच्छा खासा
आइडिया आ जाएगा। तो वो उन्होंने समझाया कि हम क्या करते हैं कि जो रोड होता है उसमें से हम ऑप्टिकल फाइबर निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा बिजनेस रेनी सीजन में बंद रहता है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तो हम कर नहीं सकते बिजनेस, फर्स्ट थिंग। दूसरा ये कि हम लेबर्स जो होते हैं, ठीक है, उनसे काम करवाते पूरा, हम उनको हायर करके, ठीक है। और तीसरा कि 3-4 महीना जब धंधा बंद रहता है, ठीक है, हमारा, तो हम वो एम्प्लॉयज ज्यादा हायर नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर प्रॉफिट मार्जिन में भी इंपैक्ट करेगा। तो उनका ये बोलना था कि इसलिए आपको जो एम्प्लॉयज काउंट है वो ये कम दिख रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट मैं ये ऐड करना चाहता था कि वो लेबर से वो सारा काम करवाते हैं, तो उसकी वजह से हमको ये, मतलब वो क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय काउंट में ये हो रहा होगा, ठीक है। करेक्ट करेक्ट, वो तो कॉन्ट्रैक्चुअल का बात है, तो वो तो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, यस यस, तो कभी ये परफॉर्म नहीं करेंगे, दैट्स फाइन। हां हां हां, या तो ओके, थैंक यू सर। ठीक है ठीक है, आई गेस हम मे बी आधा घंटा और स्पेस करते हैं, फिर बंद कर देते हैं। मे बी और कुछ कंपनियां भी डिस्कस कर लेते हैं, लेट्स डिस्कस। जस्ट सॉरी, बिफोर एंडिंग, जस्ट योर व्यू, नॉट व्यूज, मे नॉट द राइट वर्ड, बट ये यूक्रेन रशियन कॉन्फ्लिक्ट है वो होने वाला है। अभी हम लोगों ने 1 महीना पहले ही 10-15% का मार्केट करेक्शन किया, सो व्हाट्स योर थॉट, एज इन आर वी एक्सपेक्टिंग करेक्शन नेक्स्ट वीक और हाउ इज इट? बड़े कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है अभी, क्या क्या बोल, मतलब ये तो रशिया में कॉन्सर्ट पे अटैक हुआ, राइट? और कॉन्सर्ट पे हुआ, बट दे हैव डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ वॉर, एंड कल रात से पूरा जो बॉम्बिंग का फ्रीक्वेंसी है दैट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट, प्लस पोलिश, पोलैंड ने भी अपना, जो पूरा पोलैंड इज नेक्स्ट टू यूक्रेन, तो उन लोगों ने भी अपनी पूरी आर्मी एक्टिवेट कर दी है, एयर स्पेस बंद कर दिया है। हाँ। तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता दिख रहा है, बिकॉज दीज गाइज हैव ब्रांडेड इट एज आईएसएस आईएसआईएस, बट लुक्स लाइक दिस इज यूक्रेन ओनली हु हैव डन इट। अगेन दीज आर ऑल रूमर्स, एंड मार्केट अभी उस पर एक्ट कर रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, नॉट गेटिंग अ वेरी क्लियर सेंस। अगर आई थिंक इनका वॉर तो 2 साल से चल रहा है, मतलब आई डोंट थिंक मार्केट इससे इतना ज्यादा इंपैक्ट होता है, बट अगर कुछ बड़ा एस्केलेशन होता है तो ऑब्वियसली इंपैक्ट आ सकता है। बट मतलब मैं तो ट्विटर से मुझे पता लगता है कि दुनिया में चल क्या रहा है, ज्यादा मेरे टाइमलाइन में तो नहीं, ट्विटर थोड़ा साइलेंट है, पता नहीं, बट इफ यू चेक ऑन सम रशियन हैंडल्स और उनके न्यूज़पेपर न्यूज़ वाले और थोड़े बहुत यूरोपियन यूनियन वाले जो न्यूज़ वाले हैं, वहां पर काफी एक्टिविटी चल रही है। हमारा ट्विटर स्पेस थोड़ा सा उतना रिएक्ट नहीं कर रहा है। बट एनी वे, अगर आप लास्ट टू लास्ट अगर रशिया वॉर भी देखे, राइट, जब प्रॉपर रशिया वॉर चल रहा था, जब पहली बार स्टार्ट हुआ था, तो भी जेंसॉल ऊपर जा रहा था। तो अगर अच्छे स्टॉक है ना, तो उसको रशिया वॉर से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्टॉक फिर भी ऊपर जाएंगे। तो वही इंडियन मार्केट एनी वे, लोग को इतना, मतलब सी वर्ल्ड वॉर 3 आई डोंट थिंक कोई करना चाहेगा, वो सब हो सकता है, कोई करना चाहे कर ले, बट आई डोंट थिंक अभी ये कॉन्फ्लिक्ट तो ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड है मार्केट के अंदर, मुझे नहीं लगता, अनलेस सम रियली बिग एस्केलेशन कम्स, आई डोंट थिंक एनी इंपैक्ट होगा। बट पीपल विल ट्राई टू सेल, नो, जैसे कनेक्टेड टू सम फोक हु आर होल्डिंग 20-30 लाख, सो दे आर लाइक कि 10-15% मार्केट करेक्ट होगा, मैं अभी 4-5% के प्रॉफिट में बैठा हूं, मैं सारा माल निकाल लेता हूं करेक्शन के बाद, तो सेलिंग प्रेशर दिखता है। हां, बट वो मेजर न्यूज़ पे दिखता है कि मासेस कैसे रिएक्ट करेंगे, राइट? अगर मासेस रिएक्ट नहीं कर रहे, वो तो मीडिया कवरेज पे, अगर मीडिया कवरेज देगा, मासेस, मीडिया ही मासेस कन्फर्म करता है, राइट? तो आपको सेल ऑफ दिखते हैं, अगर सोचो, अगर ये जो सारे नेगेटिव इंसिडेंट्स है, अगर मीडिया कवरेज नहीं देता तो सेल ऑफ नहीं होता, तो मीडिया कवरेज मिलेगी तो सेल ऑफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। एनीवे अच्छी कंपनी में फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी कंपनी का पैट आने वाला है तो पैसा तो फिर भी वहां जाएगा ही जाएगा। तो मुझे नहीं लगता हमें इससे ज्यादा सोचना चाहिए। नो, आई एम तो थिंकिंग ऑफ पिकिंग मोर, अगर ये आता है पीपल सेल, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी अगेन, राइट? ठीक है, ठीक है, मेक सेंस, थैंक यू, थैंक यू। मे बी एक दो कंपनी और ले लेते, फिर बंद कर देते स्पेस को। तो मे बी कैन वी डू द पैट एस्टिमेट फॉर कॉस्मिक सीआरएफ, कॉस्मिक सीआरएफ का कितना रहेगा आफ्टर मार्च? कॉस्मिक का कोई करना चाहेगा? अनु भाई, आप करना चाहेंगे कॉस्मिक का? एंड जो करना चाहता है, कोई स्पीकर से भी करना चाहता है, बोल सकता है कि हम करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बोला, व्यूज पे हमने बंदी कर दिया, व्यूज हम कभी देंगे ही नहीं अब से, क्योंकि व्यूज से मुझे लगता है कोई फायदा होता है। अभी हम प्रॉपर मैथ करेंगे और मैथ ही सीखेंगे, जितनी बार करेंगे उतनी बार लोग, हाँ, तो कॉस्मिक का मैथ कर लेते हैं। कॉस्मिक का आप करना चाहेंगे, श्रीकांत भाई? ओके, तो हाफ ईयरली उनका प्रॉफिट है अराउंड 7, तो मैंने सेम अज्यूम्पशन ले लिया, तो नेट प्रॉफिट अराउंड 14 करोड़ के आसपास आ सकता है।
और वो जो इनका एसेट बेस के बारे में बताएंगे, इनका एसेट बेस कितना कैसे चेंज हुआ है, एसेट बेस को अगर बैलेंस शीट देखेंगे, एसेट बेस एक मिनट, हां एसेट बेस उनका डायरेक्टली उनका 100% इंक्रीज हुआ है, क्योंकि 41 करोड़ का एसेट बेस था वो 84 करोड़ हो गया, और सीडब्ल्यूपी करंटली 4 करोड़ है, क्योंकि उतना ज्यादा नहीं है करंट वर्क इन प्रोग्रेस, तो एसेट तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इसी हिसाब से मेरे को लगता है कि सेल्स भी बढ़ जाएंगे उनका, मतलब सेम परफॉर्मेंस को रिपीट होना जायज ही है, प्लस कंपनी ने प्रेस भी किया है, तो आई थिंक सेम परफॉर्मेंस तो मान ही सकते हैं, 14-15 करोड़ तो पैट आना चाहिए, राइट, क्योंकि एसेट बेस भी डबल हुआ था, और मतलब 14-15 करोड़ तक फेयर एस्टिमेट बनता है, 15 करोड़ पे फॉरवर्ड पी कितना आएगा, फॉरवर्ड पी जब ये रिजल्ट आएगा 40 के आसपास, 41 के आसपास आ जाएगा, करेक्ट करेक्ट, और कंपनी ने प्रेस भी किया, राइट, कंपनी ने कितने करोड़ का प्रेस किया एक बार सॉवरेन पे चेक करके बताएंगे, मेरे पास अभी वो फॉरवर्ड पासवर्ड हो गया मेरा, मैं बता, आप वो बता सकते हो तुम, हाँ तो कंपनी ने आपका कुछ 85 करोड़ का प्रेस किया है, ओके ठीक है, प्राइस ये सारा प्रेस जो एसेट एक्सपेंशन में जाएगा, राइट, ओके, तो अभी एसेट बेस 84 करोड़ का है, 85 करोड़ से पूरा फिक्स्ड एसेट खरीदा, तो एक साल बाद कितना फिक्स्ड एसेट बेस होगा कंपनी का, डबल किया, कितना लिया उन्होंने, 85 करोड़ का प्रेफर, 85 का मतलब अराउंड 170 के आसपास जाएगा एसेट बेस, राइट, और अगर एसेट बेस डबल हो जाता है तो रेवेन्यू भी डबल होना चाहिए, राइट, मोटा मोटी, तो अगले साल तो ऑब्वियसली इसकी एसेट ही कंस्ट्रक्शन में समय लगेगा, बट जब भी एसेट कंस्ट्रक्शन खत्म होती है तब कितना रेवेन्यू आएगा, तब कितना पैट आएगा आपके हिसाब से, once the asset base construction, once the new asset construction is over? मुझे लगता है 200-250 करोड़ का उनका अराउंड सेल जा सकता है, और 250 तो इसी साल आ जाएगा, 250 इसी साल, मतलब 500 करोड़ आ जाएगा उस टाइम में फिर, और अगर पैट कितना, मैं सोच रहा हूँ अराउंड इस टाइम आ सकता है, जस्ट अ मिनट, 250 पे 14 का पैट है तो 500 पे कितने करेगा, 28 का कुछ तो आएगा, 28 टू 30 30 करोड़ का, राइट, तो जब भी एसेट बेस कंस्ट्रक्शन ले सकते हैं आप, ये FY24 पे आप 15 करोड़ का ले रहे हैं, तो FY25 का पीई तो बहुत कम हो जाएगा फिर, 30 करोड़ का मतलब 20 का पीई हो जाएगा, अभी तो करंट पीई 98 का कुछ तो है, ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन, क्योंकि ये मोस्टली रेलवे और रेलो को प्रोवाइड करती है, मतलब ऑर्डर बुक तो उनको मिला होगा बड़ा, राइट, तो ऑर्डर बुक तो इनके काफी सारे हैं, मतलब इनको एक 14 करोड़ का मिला है, एक 29 करोड़ का मिला है, एक 11 करोड़ का मिला है, तो काफी सारे मिले हुए हैं उनको, वो तो सारा ऐड करना पड़ेगा, एक 22 करोड़ का मिला था थोड़ा टाइम पहले, फिर एक 20 करोड़ का मिला है, तो काफी ऐड करना पड़ेगा वो सब तो, प्लस ये सारे छोटे छोटे ऑर्डर कंपनी ने प्रॉपर ऑर्डर बुक बता नहीं रखी है, तो आई डोंट थिंक ऑर्डर बुक से आप कुछ खास करना, ओके ओके ठीक है तो आई थिंक ये एक और मैथ हो गया, इसमें हमने एसेट बेस से निकाल लिया, राइट, तो आई थिंक ये थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि हमने प्रेफरेंशियल का पैसा सारा एसेट बेस में लगा दिया और उससे निकाले कि कितना एसेट बेस बन जाएगा, कितना रेवेन्यू बन जाएगा और कितना पैट आ जाएगा, राइट, तो ये एग्जांपल कैसा लगा आपको, ये थोड़ा अलग टाइप एग्जांपल था जहां हमने क्योंकि पुराने इसमें हम क्या कर रहे थे कि जो हमारा क्वार्टरली प्रॉफिट है उसका मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे थे, और हमारे पास बाकी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थे, इस टाइम हमारे पास प्रेफरेंशियल इशू था और किसके लिए यूज करने वाले, तो हम एसेट बेस से हम निकाल पाए, तो इट इज टोटली थोड़ा डिफरेंट था ये सिनेरियो थोड़ा, करेक्ट, इसमें एक और चीज क्या है कि मैकफॉस में भी प्रेफरेंशियल था, राइट, बट मैकफॉस एक टेक कंपनी है, तो टेक कंपनी वो जो 25 करोड़ रेस कर रही है मोस्ट लाइकली मार्केटिंग के लिए कर रही होगी या ब्रांडिंग के लिए कर रही होगी, तो एग्जैक्ट इंपैक्ट बता नहीं सकते उस 25 करोड़ का धंधे में, एग्जैक्ट इंपैक्ट कितना होगा, इस 85 करोड़ का हम बता सकते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग धंधा है, तो हमारे लिए मैथ करना काफी आसान हो गया, वही टेक धंधे में हम ये सेम चीज कर नहीं पाते, तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंस चीजें होती है हर बार, कि टेक धंधा है तो इतनी इजीली मैथ नहीं कर पाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग धंधा है तो इजीली मैथ कर पाते हैं। और एक आदित्य जी, आप जब भी एसेट रहता है तो उसका एसेट टर्नओवर रेशियो कुछ बता देते कंपनी, उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि एसेट कुछ सपोज 500 करोड़ का है, एसेट टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स है,
तो 1500 करोड़ वो उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं ना, तो वो मेंशन एसएमई कंपनीज ये मेंशन करते हैं कि नहीं, क्योंकि बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बताते हैं कि इतना हमारा एसेट है, एसेट टर्नओवर रेशियो इतना है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो एसएमई बता देते हैं। तो वो तो आप निकाल लो ना, मतलब सी 84 करोड़ का एसेट है, 250 करोड़ का रेवेन्यू है, राइट? तो अगर आप एक तो तीन गुना का हो गया ना एसेट टर्नओवर, इस हिसाब से तो बहुत हो जाएगा। फिर आप अगर 84 का हम निकाले तो 250 करोड़ का हुआ था, तो नेक्स्ट ईयर 87 लगा रहे, मतलब वो 170, तो 800 करोड़ का सेल्स हो जाएगा, हमने तो 500 करोड़ का एस्टीमेट किया। नहीं नहीं, वही सेम ही है ना, हर तीन का एसेट है, अभी एसेट, अभी एसेट डबल हो जाएगा आपका, 160 170 करोड़ का एसेट आ जाएगा, तो भी 500 ही आएगा ना, जब मैंने तब भी 500 है ना, तो आप दोनों साइड से कर लो, आंसर तो 500 आएगा मोटा मोटी। ठीक है ठीक है, तो ये हमने एसेट बेस्ड टर्नओवर वाला मैथ किया, आई होप ये इंटरेस्टिंग लगा लोग को। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मे बी और कौन सा कर लेते हैं, आई गेस ऑफ कोर्स आई एम होपिंग कि सी एनीवे इस सेशन में कोई बाय सेल डिसीजन तो है, मतलब डिस्कशन तो है नहीं, बट अगर मतलब बट कोई करना भी जाएगा तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि हम बस मैथ्स ही कर रहे हैं, तो आई गेस द होल पॉइंट ऑफ दिस सेशन इज लर्निंग टू डू मैथ्स एंड नथिंग एल्स। तो इसको आप कुछ भी मत कीजिएगा, इस सारे मैथ में एरर के चांसेस होते हैं, 20% चांस है एरर का, और देर इज अ रूम फॉर डिसअपॉइंटमेंट, राइट? तो आप जाकर डिसअपॉइंटमेंट के एरियाज भी जरूर चेक करिए, व्हाट कैन गो रॉन्ग, सो दैट यू आर मोर वेल इन्फॉर्म, राइट? इस मैथ, दिस इज ओनली इंडिकेटिव मैथ, तो आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड अप्रिशिएट द फैक्ट दैट ये मैथ्स गलत हो सकती है, एंड देर इज अ रूम फॉर एरर, राइट, इन दिस एंटायर मैथ। एनीवे एक कंपनी और करते हैं, फिर बंद कर देते हैं स्पेस को, मे बी। हाय आदित्य, बाजल ग्रुप के प्रोजेक्ट के बारे में कर सकते हैं क्या ये मैच? कैन आई आस्क वन क्वेरी? हाँ, सो बाहेल में एक मिनट कर लेते हैं। बाहेल में प्रॉब्लम क्या है कि देखिए ऑर्डर बुक हमें प्रॉपरली पता नहीं है, बाहेल कुछ कुछ ऑर्डर बता रहे हैं, बट ऑर्डर बुक पूरी शायद ऑर्डर बुक बता भी रखी होगी तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। मेरे को एक लौता प्रॉब्लम ये होती है बाहेल ग्रुप में कि यार ये अगर आप इसका लास्ट क्वार्टर देखे, राइट, तो हार्डली कोई प्रॉफिट है, और उससे पहले तो लॉस ही था। तो प्रॉब्लम क्या है कि यार बाहेल में ऑर्डर बुक आपको पता भी है तो आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी समझ नहीं पाओगे प्रॉपरली, क्योंकि अगर आप देखो, राइट, दिसंबर में 300 करोड़ का सेल्स था और 3 करोड़ का प्रॉफिट था, तो 1% की नेट प्रॉफिट मार्जिन आती है। मुझे नहीं लगता उनका एक्चुअल नेट प्रॉफिट मार्जिन 1 करोड़ का होगा, क्योंकि वो मे बी धीरे धीरे करके हमें उनका एक्चुअल नेट प्रॉफिट मार्जिन दिखाई देगा। तो जब भी कोई अनस्टेबल कंपनी होती है ना, तो आप उसमें ये मैथ कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास पुराना डेटा एकदम क्लीन नहीं है, तो इसलिए बाहेल में मैथ कर नहीं पाओगे कि एक्चुअल इवन ऑर्डर बुक है भी तो आप प्रॉफिटेबिलिटी आपको प्रॉपरली पता नहीं है। आप 1% पे निकाल लोगे नेट प्रॉफिट, बट वो गलत आ जाएगा आंसर। वैल्यूएशन का कोई मैट्रिक्स है इस तरह की कंपनी के लिए आपके पास? कुछ नहीं कर सकते बाहेल जैसी कंपनी में। सी बाहेल का अगर आप पी देखो तो इनफाइनाइट है, राइट, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है करंटली, तो बाहेल को क्या वैल्यूएशन मिलेगा ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये आप थ्योरी से बता नहीं सकते, ये तो भगवान भरोसे है, मार्केट ने दे दिया, कोई बता नहीं सकता कि इसको क्या मिला। नहीं, ये बजाज ग्रुप का है, तो बजाज ग्रुप है तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही इसका। हाँ, तो वही है ना, सी या तो आप पूरा मुझे बता दो कितना ऑर्डर बुक है, कितना एक साल में एग्जीक्यूट करोगे और कितना प्रॉफिट मार्जिन आएगा, तो मैं आपको मैथ करके बता सकता हूँ, बट उसके लिए बहुत सारा डेटा चाहिए, तो वही वो डेटा है नहीं, तो मैथ है, मैथमेटिकली तो नहीं कर पाएंगे, अंदाजे पे चलेगी दुनिया इस केस में कि अंदाजा कितना है, और वो मेरे और आपके पास शायद नहीं होगा, बट जो स्टॉक पे रिसर्च करके बैठा होगा, राइट, वो उसको पता होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि यार ये किस टाइप का धंधा है, कितना प्रॉफिट, अगर आप मुझे यही बता दो किस टाइप का धंधा है प्रॉपरली और एक कंपेरेबल बता दो, तो मैं भी आपको बता दूंगा कि यार नेट प्रॉफिट मार्जिन इस रेंज का आना चाहिए और इतना ऑर्डर बुक है तो इतना अगले साल का नंबर आ सकता है, बट उसके लिए थोड़ा इंडेप्थ रिसर्च चाहिए, सिंपल नंबर से नहीं हो पाएगा, मतलब ये इतना आसान नहीं है, काफी मुश्किल है एज कम्पेयर टू जो हम कर रहे हैं, राइट? ओके, ठीक है, ठीक है, आई गेस आई थिंक बंद ही करते हैं स्पेस, काफी टाइम हो गया है, एनीवेज थोड़ा सा ट्रिकी स्पेस भी था क्योंकि काफी मैथ्स है, बट आई होप लोगों को अच्छा लगा, अल्टीमेटली तो मैथ्स ही इन्वेस्टिंग, जो मैथमेटिक्स के बेसिस पे करता है वो अच्छी इन्वेस्टिंग करता है, जो मैथ्स नहीं कर रहा, सट्टाबाजी कर रहे हैं, उनको दिक्कत हो सकता है, तो मैं यही बोलूंगा कि यार मैथमेटिक्स के बेसिस पे करिए, मैथ्स के हिसाब से इन्वेस्टिंग कीजिए, काफी इजीली इन्वेस्टिंग हो पाएगी।